से पहले हुआ कर, अब तो नहीं है ऐसी सास ससा मर मरु गई, पहले ऐसी सासें ज्यादा हुआ करती थी कि नमक भी ताले में रखती थी। इसका अर्थ यह है तुम्हें अपनी बहू पर जरा सा भी विश्वास, और रिश्ते काहे से चलते हैं, जोर से बोलो, रिश्ते काहे से चलते हैं, विश्वास पर। इसलिए रिश्तों में क्या जरूरी है, विश्वास। इसलिए सास को बहू पर क्या करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। आजकल की सासें अपनी बेटियों पर पूरा विश्वास करती हैं, बहुओं पर कौड़ी भर का विश्वास नहीं है ने, जबकि काम बहू ही आएगी, बेटियां काम नहीं आती। ये माताओं को ना, बूढ़ी माताओं को बेटियों का भूत उतरते ही नहीं है। हां मेरी मां बेटियों का भूत उतारो, बेटी अपने घर सुखी है खुश रहेगी वो, तुम अपनी बहू पे ध्यान रखो, बहू से इतना प्यार करो, इतना प्यार करो कि बहू आपसे ही अपनी मां का प्यार पाने लग जाए, आप उसको अपनी मां की कमी महसूस ना हो, आप मां की तरह प्यार करो। माना कि तुम्हारी बहू, कोई कहे महाराज मेरी बहू तो बिल्कुल गंदी है, बुरी है, कोई बात नहीं, बहू बुरी है ना, तुम तो बुरी नहीं हो, तुम तो अपनी मां होने का फर्ज पूरा करो, कर्तव्य पूरा करो। वो अपना बेटी होने का फर्ज पूरा करे ना करे, नहीं करेगी तो वो पाप की भागी वो बनेगी, तुम तो अपनी मां का कर्तव्य पूरा करो। जैसे अपनी बेटी से प्यार करती हो वैसे ही अपनी बहू से प्यार करने लग जाए भारत की प्रत्येक सास, और वैसा ही प्यार एक बहू अपनी सास से करने लग जाए मां की तरह, तो भारत का प्रत्येक घर में राम राज्य आज ही आ जाएगा, सारी लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाएगी, सारी अशांति समाप्त तो हो जाएगी। लेकिन ये आए तो ना, बहुत कम बहुएं ऐसी हैं जो मिलजुल के रहती हैं मां बेटी की तरह, अधिकाधिक बहुएं, बहुओं का मन सास से नहीं मिलता, सास का मन बहुओं से नहीं मिलता, और यही आपके दुख का कारण बनता है। आज रिश्ते कमजोर पड़ गए, इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं रिश्तों को मजबूत कीजिए, बहू पर विश्वास करना सीखिए, अपनी सास पर विश्वास करना सीखिए। पड़ोसन ने कह दिया तुम्हारी बहू ऐसा कह रही थी, आपने मान लिया, अपनी बहू को डांटने लग गई। पड़ोसन ने कह दिया तेरी सास ऐसा कह रही थी, आपने मान लिया, सास के प्रति ईर्ष्या घृणा नफरत द्वेष रखने लग गई। अरे बहन एक बार कन्फर्म कर लो, हो सकता तुम्हारी पड़ोसन भड़का रही हो, झूठ बोल रही हो। और एक बात बताएं मैया, कोई भी बात जब एक मुंह से दूसरे मुंह में पहुंचती है ना तो वो बात बदल जाती है, हाँ या ना, एक बात जब एक से दूसरे में जाती है और दूसरे से तीसरे में तो वो बात ओरिजिनल बात वहां तक नहीं पहुंचती, वो बदली हुई बात। जितना तुमने सुना उतना तुमने आगे कह दिया, जितना उतने समझा उसने उतना आगे कह दिया, बात थी कुछ और पहुंची कुछ और। आज समाज में क्या हो रहा है मैं आपको सुनाऊं, विचार नहीं है केवल व्यवहार है। एक अंधे माता पिता थे, उनका एक बेटा था छोटा सा था, माँ भी अंधी थी और बाप भी अंधा था। माँ जब रोटी बनाए तो बिल्ली आए और रोटी खा जाए या रोटी ले जाए और दूध पी जाए, तो अंधी पत्नी ने अपने अंधे पति से कहा, सुनो जी ये बिल्ली रोज परेशान करती है, एक काम करो जब मैं भोजन बनाया करूँ तो तुम यहाँ बैठ जाया करो एक लाठी लेकर, और लाठी पटका करो तो बिल्ली डर के मारे नहीं आएगी। तो जब भी पत्नी रोटी बनाती तो उसका पति लाठी पटकता दरवाजे में, बांस की लाठी फटी हुई उसमें आवाज ज्यादा होती, फट 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 ऐसे ऐसे वो पटकता। अब पत्नी रोटी बनाए और ये लाठी पटके, इसका अंधा पति छोटा सा बेटा देखता देखता बड़ा हुआ, और जब उसका विवाह हुआ तो जब उसकी पत्नी भोजन बनाने गई तो वो भी द्वार पे लाठी लेके बैठ गया, वो भी पटक रहा। उसकी पत्नी ने कहा क्या कर रहे हो, बोले हमारे घर की परंपरा है महिला जब भोजन बनाती है तो पति लोग लाठी पटकते हैं।
वो इतना मूर्ख था, वो ये नहीं समझा कि मेरे माँ बाप तो अंधे थे और वो मजबूरी के कारण ये करते थे क्योंकि बिल्ली परेशान करती थी। लेकिन उस चीज को उन्होंने परंपरा मान ली। पत्नी भोजन बनाए तो वो लाठी पटके तो ये क्या झूठी परंपरा बना ली ना। बस यही है आपके जीवन में, आप विचार नहीं करते, आप सुनते नहीं हैं, आप समझते नहीं हैं, आप डिस्कस नहीं करते हैं। किसी का कहा हुआ देखा मान लिया, सुना। कई बार आंखों देखी बात गलत होती है, कई बार कानों सुनी बात गलत होती है, हाँ या ना। इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले आंखों और कानों के ऊपर विचार होता है। विचार कर लो, हमने जो देखा क्या सही है। आंखों देखे भी गलत, एक बार बीरबल और अकबर के दरबार में आंखों देखी गलत हो गई। सुनो, एक बार अकबर का एक माली था, अकबर का माली पुष्पों की सेज बनाता था, पुष्पों का बिस्तर बिछाता था, गद्दे की जगह पुष्पों की सैया तैयार करता था, गुलाब की, कमल की, मोगरा की, चमेली की। एक दिन माली ने बढ़िया गुलाब का बिस्तर तैयार किया, बढ़िया गुलाब खूब पंखुड़ियां बिछाई, और राजा साहब रोज गुलाब के मोगरा के बिस्तर में सोया करते थे दोनों पति पत्नी। तो आज माली को लगा एक बार मैं भी तो रोज बिछाता हूं, एक बार मैं भी देखूं कितना सुख मिलता है। तो माली ने बिस्तर तैयार किया और जाके लेट गया, और लेटा तो बढ़िया हवा चली झरोखे से और नींद आ गई, माली सो गया। और तभी रानी आई, रानी को लगा राजा सो रहे हैं तो रानी भी सो गई। सुनिएगा, रानी भी बगल में सो गई। अब राजा आए, राजा ने देखा राम राम मेरी पत्नी माली के संग सो रही है, बड़ा गलत है, मेरी पत्नी चरित्र से गिरी है। तुरंत दरबार लगाया, कहा मेरी पत्नी को फांसी की सजा दो। खबर बीरबल तक गई। बीरबल ने कहा महाराज क्या हुआ, आपकी पत्नी तो बड़ी सती है, सावित्री है, बड़ी पतिव्रता है, वो तो ऐसा कर नहीं सकती। राजा ने ना हम तो किसी की नहीं सुनेंगे, हमने तो अपनी आंखों से देखा, एक बिस्तर पर सोते हुए देखा, ये मेरी पत्नी गलत है। बीरबल ने कहा महाराज एक बार आपकी पत्नी से पूछना जरूरी है। ना मैंने पूछने की क्या जरूरत, मैंने आंखों से देखा। बीरबल ने कहा महाराज आंखों देखी भी गलत हो सकती है। ना कैसे हो सकती है, मैंने देखा है। बीरबल ने पत्नी को बुलाया, क्या बात है। बोले मुझे लगा राजा सो रहे हैं, रोज की तरह मैं जाके सो गई। माली को बुलाया, क्यों रे तू क्यों सोया यहां पर। बोले महाराज मुझे लगा राजा साहब रोज सोते हैं, मैं ही बिस्तर तैयार करता हूं, मैं जरा सा लेटा था, नींद आ गई। अब कैसे निर्णय हो कि रानी शुद्ध है, कौन मानेगा। तब वहां चलो, जहां बिस्तर बिछा है वहां चलो। राजा गए, रानी गई, सब गए, और वहां देखा तो जहां माली सोया था वहां के गुलाब दबे हुए थे, जहां रानी सोई जहां माली सोया वहां के गुलाब दबे थे, और दोनों के बीच में गुलाब, क्योंकि किसी का हाथ पांव पड़ा नहीं तो वो गुलाब ऊपर उठा हुआ था ज्यों की त्यों। तो उस बिस्तर की डिजाइन से, क्योंकि गुलाब है ना दब जाता है, उस पर पांव रखेगा दब जाएगा। लेट गए तो जितना लेटा था उतने लेटने का पूरा चित्र बना हुआ था नीचे। तब राजा को बीरबल ने दिखाया, महाराज देखो ये तो रानी लेटी थी यहां पर, इनका हाथ भी दिख रहा है कि इनका हाथ कहां से कहां तक था, पांव कहां से कहां। इन दोनों ने एक दूसरे को टच भी नहीं किया, क्योंकि यदि टच किया होता, मिले होते तो ये पुष्प गुलाब के दबे होते। पर देखो बिस्तर की आकृति बता रही है कि ये दूसरे एक दूसरे से मिले नहीं, केवल गलत फहमी हो गई है। आपने जो देखा है वह गलत है, तब से ये सिद्ध हो गया कि आंखों देखी भी गलत हो सकती है, आंखों देखा भी गलत होता है। आंखों देखी पर भी क्या चाहिए, जोर से बोलो, आंखों देखी पर भी क्या चाहिए, विचार चाहिए। विचार करो सही क्या है गलत क्या है, उस निर्णय तक पहुंचो। अब ये थोड़ी कि तुमने देखा और शुरू फांसी पे लटका दो ना जी। आंखों देखी भी गलत हो सकती है, और कानों
सुनी भी गलत हो सकती है, तुम्हारी पड़ोसन तुम्हारी सास को तुम्हारी बहू को तुम्हारे खिलाफ भड़का सकती है, इसलिए दूसरों के कहने पर आपस के रिश्ते ना तोड़ लिया करो मेरी माँ, ये तो मूर्खता है। कैकई ने दशरथ जी से नहीं पूछा था कि तुमने हमें क्यों नहीं बताया कि राम जी को राजा बना रहे हैं, कैकई ने दशरथ जी से डिस्कस नहीं किया, डिस्कस किससे कर लिया, मंथरा से। दूसरों की बातों में आ गई और अपने रिश्तों को उसने, दशरथ जी कह रहे थे कि मैं तुझे सरप्राइज देना चाह रहा था इसलिए तुझे मैंने बाद में निमंत्रण ये बताना चाह रहा था कि कैकई को तो मैं खुद बताऊंगा, क्योंकि कैकई बार बार कहा करती थी कि राम को राजा बनाओ राम को राजा बनाओ, तो दशरथ जी ने आज घोषणा कर दी राम को राजा बनाएंगे, पर सबको आदेश दे दिया कैकई को कोई सूचना ना देगा क्योंकि सरप्राइज मैं दूंगा। तो दशरथ जी सरप्राइज देने आए थे, आने वाले थे, लेकिन आए तब तक तो मंथरा ने सरप्राइज दे दिया, मंत्रा ने कान भर दिए कि देखो तुम्हें तो बताया ही नहीं, वो ये नहीं सोच रही है कि दशरथ जी ने हमें सरप्राइज देने के लिए हमसे लेट कहा, पर मंत्रा तो कान भर दी और देखो उसने मौके का फायदा उठा लिया और कान भर दिए। कैकई को दशरथ जी समझा रहे हैं कि ये बात गलत है जो तुम सोच रही हो कि मेरे अंदर भरत के प्रति कोई कपट है, ना जी कोई कपट नहीं है, जैसा मेरा राम है वैसे ही मेरा भरत है, लेकिन देखो भड़का दिया और भड़काने के कारण रिश्ते टूट गए, इसलिए मेरी मां आंखों देखी और कानों सुनी भी सच्ची नहीं होती, विचार जरूरी है, विवेक जरूरी है, विचार करना जरूरी है, इसलिए बच्चों को संस्कार दो और विचारवान बनाओ, बच्चों को इतना विकसित कर दो, उनकी बुद्धि इतनी विकसित कर दो कि वो आत्मनिर्भर बन सकें, अपने डिसीजन अपने निर्णय खुद से ले सकें। आजकल के लोग अपना निर्णय खुद से नहीं ले पाते, कोई भी निर्णय है तो जरा जरा से निर्णय लोग पूछते हैं, भाई अपने निर्णय जीवन के खुद से लेना सीखो और अच्छे निर्णय लेना सीखो। भरत जी के ऋषभ देव जी के ज्ञान से उनके पुत्र भरत जी को ज्ञान हुआ, सब कुछ छोड़कर भरत जी पिताजी की आज्ञा अनुसार जंगल गए गंडकी नदी के तट पर भजन करने पर भरत जी का एक मन जो है ना वो मृग में लग गया। अंते यामति सागति, जिसकी मति बुद्धि जैसी होती है उसकी गति वैसी होती है, इसलिए भरत जी का मन कहां लग गया, एक मृग में। एक मृग बहता जा रहा था, भरत जी ने बचाकर अपनी कुटिया में ले आए। अरे किसी मृग की जान बचाए भरत जी, ये तो बिल्कुल बुरा नहीं था, गलती कहां होगी। भरत जी उस मृग से प्यार करने लग गए। किसी भी व्यक्ति से हम प्यार ना कर लें, किसी भी वस्तु से हम अटैच ना हो जाएं, किसी व्यक्ति से हम दिल ना लगा लें, किसी व्यक्ति से हम मन ना लगा लें, कहां मन लगाना है कहां दिल लगाना है जरा विचार, मैं फिर कहता हूं हर चीज विचार की है। आजकल के लोग किसी से भी दिल लगा लेते हैं, किसी से भी मन लगा लेते हैं, ना जी किसी से भी शादी कर लेते हैं, ना जी शादी करने के पहले विचार हो किससे शादी करना है, प्यार करने के पहले विचार हो किससे प्यार करना है, सबसे प्यार नहीं, सबसे विवाह नहीं, उचित अनुचित नहीं, हर चीज विचार की है, समझ की है। अब ये समझ आ जाए तो सब ठीक है और नहीं आए तो सब परेशान है बेचारे। भरत जी ने एक मृग से प्यार कर लिया है, मैया ओ मैया जगाओ, भरत जी मृग से प्यार करने लगे, मेरा मृग मेरा मृग मेरा मृग मेरा मृग, और क्या हुआ, अंते यामति सागति, मृग का चिंतन करते करते वह मृग बन गए। जब भरत जी का शरीर पूरा हुआ तो वह मृग की योनि में आ गए, क्योंकि चिंतन किसका किया था,
मैया जी, ओ मैया, भरत जी ने मरते समय चिंतन किसका किया था? मृग का। इसलिए उन्हें क्या बनना पड़ा? मृग बनना पड़ा। आप लोग भी सावधान रहिएगा, चिंतन भगवान का कीजिएगा। भरत जी मृग योनि से छूटे, अंत में उन्होंने राजा तीसरा जन्म मनुष्य का पाया। राजा रघुगण को दिव्य उपदेश उन्होंने दिया है, भगवान का नाम लेके अजामिल ने अपना कल्याण किया है। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है। श्री इंद्र ने वृत्तासुर का उद्धार किया है, भगवत धाम को गए हैं वह। एक बार प्रहलाद जी भगवान की छोटी सी उम्र में भगवान का भजन करने लग गए। कौन? श्री प्रहलाद जी। यदा देवे सुवेदेशु गौषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषा सवा आशु विनाश्यति। प्रहलाद जी छोटी सी उम्र में भगवान का भजन करने लग गए थे। इनके पिता हिरण्यकश्यपु बड़े दुष्ट प्रकृति के थे, रोका करते थे, क्यों भजन कर रहा है, क्यों नाम जप रहा है, खूब 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 कहते थे कुछ भी जो मन में आए। एक बार तो मारने के लिए ध्रुव जी को आग में फेंक दिया। होली का बहन लेकर बैठ गई, पर होली का जल गई, प्रहलाद का बाल भी बांका। भगवान, अच्छा ध्रुव जी, प्रहलाद जी को आग ने क्यों नहीं जलाया? क्यों नहीं जलाया मेरी माँ? क्योंकि उनके रक्षक कौन थे? भगवान। और भगवान उनके रक्षक बने क्यों? क्योंकि उन्हें भगवान पर कितना विश्वास था? जितना आपको है क्या इतना था? जितना आपको भगवान पर विश्वास है क्या इतना विश्वास प्रहलाद जी को था? मैया मैया बोलो कुछ, मेरी माँ बोलो। जितना विश्वास आपको है भगवान पर, इतना प्रहलाद जी को था? इससे ज्यादा था। कितना ज्यादा? कितना ज्यादा? कितना ज्यादा? बहुत ज्यादा। तो आपका बहुत ज्यादा विश्वास क्यों नहीं है? किसने रोका है? जितना विश्वास प्रहलाद जी का था, इतना विश्वास आपका हो जाए तो लिख के दूंगा, आपके लिए भी खंबे से भगवान प्रकट होंगे। पर वो विश्वास नहीं हो पा रहा। हम सांसारिक तुच्छ प्राणी हैं। हम लोग विश्वास करते हैं, पर हमारे विश्वास उस कोटि का विश्वास नहीं है जिस कोटि का विश्वास श्री प्रहलाद जी का था। इसलिए मेरी माँ, जितनी शक्कर डालोगी ना पानी, उतना मीठा होता चला जाएगा। जितना विश्वास भगवान पे बढ़ाओगी, उतने खुशियों की मिठास बढ़ती जाएगी, आनंद की मिठास बढ़ती जाएगी। इसलिए विश्वासो ही फलदायक। ना आग जला सकी, ना जहर मार सका, ना हाथी के पांव पे उनको दबाया जा सका, ना पहाड़ से फेंक दिया, ना बाल भी बांका हुआ। हर पग पग में भगवान ने प्रहलाद जी की रक्षा की। रक्षक भगवान है, ये विश्वास बना के रखिएगा कि प्रभु आप ही हम सबके रक्षक हैं। भगवान ही हम सबके रियल में रक्षक हैं, पर हमारा विश्वास नहीं हो पा रहा। भगवान को क्या चाहिए मेरी मां? आपका विश्वास चाहिए। इसलिए जितने जल्दी हो सके, जितने ज्यादा हो सके, उतना विश्वास अपना भगवान के चरणों में रखिए। विश्वास को प्रकट कीजिए। यदि आपका विश्वास नहीं है या कम है, उसे बढ़ाइए ना। पूर्ण विश्वास। अच्छा ये बताओ, आप लोगों को घर परिवार की चिंता टेंशन रहती है कि नहीं? हाँ या ना? किस किस को टेंशन है, चिंता हाथ उठाओ, उठाइए हाथ। नहीं, घर पर तो टेंशन चिंता रहती है,
रहती है तो हाथ उठाओ, जरा सा भी रहती है घर पर कभी भी कहीं भी रहे तो हाथ उठा लो। चलो टेंशन चिंता है, अब ये बताओ भगवान पर विश्वास किस किस को है? अब हाथ नीचे करो, अब एक काम करो अपना मुंह फुलाओ ऐसे और अब ठहाका लगाओ। अब ये दोनों काम एक साथ करके दिखाओ, मुंह फूल जाए और ठहाका लग जाए, क्या ये दोनों काम एक साथ हो सकते हैं? नहीं हो सकते। जैसे मुंह फुलाना और ठहाका लगाना दोनों एक साथ नहीं हो सकते, उसी तरह आप कह रहे हैं कि हमें चिंता भी है और कह रहे हैं हमें विश्वास भी है। यदि विश्वास भगवान पर है तो चिंता नहीं हो सकती, और चिंता है तो विश्वास में कमी है, विश्वास नहीं हो सकता। दिन और रात दोनों एक साथ नहीं रह सकती, या दिन रहेगी या रात रहेगा, दोनों एक संग नहीं रह सकते। अंधकार और प्रकाश दोनों एक साथ रह ही नहीं सकते, या अंधकार होगा या उसी तरह या विश्वास होगा या चिंता। आप कहते हैं महाराज जी हमें चिंता है, हमें टेंशन है, घर परिवार की जिम्मेदारियां हैं। अरे चिंता यदि विश्वास किया है तो प्रभु जब मैंने अपने आप को आपके चरणों में सौंप दिया, समर्पित कर दिया, तो फिर मैं तो आपका हो गया, तो मेरी चिंताएं मेरी टेंशन भी आपकी, अब आप जानो और आपका काम जाने। मैं तो आपका नाम लेना जानता हूं, मैं तो आपके चरणों में शरणागति करना जानता हूँ, आपका होना जानता हूँ। आपका जब हो गया तो फिर अब आप जानो, परिवार बेटी का विवाह आप कराओ, बेटे का विवाह आप कराओ, घर में दाल रोटी नहीं है उसकी व्यवस्था आप करो, मैं नहीं करूँगा, मैं कर्म करूँगा, ईमानदारी से मैं कर्म करूँ, पर इस विश्वास से कि मेरे कर्म का प्रतिफल भगवान देंगे। मैं ये नहीं कहता कि तुम अकर्मण्य होके बैठ जाओ, ना जी, कर्म खूब करना, काम खूब करना, पैसा खूब कमाना, लेकिन ये विश्वास बनाए रखना कि जो मिल रहा है ये भगवत इच्छा से। आज तुम्हें 10,000 रुपए मिला, ये समझ लो भगवान की इच्छा है। आप तुम्हें 20,000 मिला, भगवान की इच्छा है। और आज तुम्हें कुछ भी नहीं मिला, भगवान की इच्छा है। मिल रहे हैं तो भी प्रसन्न रहो, और नहीं मिल रहे हैं, भगवान पर विश्वास करो। हमारी बेटी और हमारे बेटों का विवाह, हमारी बेटों की जिम्मेदारी हमारे सिर पर नहीं है, किसके सिर पर है? आप लोग जबरदस्ती अपने सिर पर लिए घूमते हैं। जबरदस्ती भगवान ने गोवर्धन उठाया तो सारे ब्रजवासियों ने भी अपनी अपनी लाठियां लगा ली, सबने लाठियां लगा ली। भगवान बोले क्या कर रहे हो? ब्रजवासी बोले लाला तू बहुत कमजोर पड़ जावेगो, ये पहाड़ तेरे बस को ना है लाला, मैंने इतने बड़े बड़े लाठी डंडे लगा रखे तब ही संभल रखे, उन्हें कब को गिर जाए। भगवान बोले तो भैया तुम संभाली हो, भगवान ने जरा सी उंगली नीचे कर ली और जैसी उंगली नीचे की सारी लाठियां डंडे टूट गए। ब्रजवासियों को लग रहा था पहाड़ हमने उठा रखा है, उसी तरह आप भी वो ब्रजवासी हो जिन्होंने मान लिया है कि आप ही घर का काम कर रहे हैं, आप ही सब संभाल रहे हैं। अरे सबकी जिम्मेदारियों का पहाड़ तो भगवान ने अपनी उंगली में उठा रखा है, तो मैं जबरदस्ती अब कंधे लगाओ, लाठियां लगाओ, ये मूर्खता है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम। जब वही करने वाले हैं तो सौंप दो ना, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथ, तुम्हें चिंता काहे की? मैं आपको चिंता किस चीज की होती है? ये अब छोड़ दो ये सब नहीं का सोचोगे नहीं, चिंता तो भी होगा। आपको चिंता बेटी के विवाह की है, आपको चिंता बेटे के विवाह की है, आपको चिंता घर की है, परिवार की है। चलो आप यदि नहीं रहे, मर गए, तो क्या आपकी बेटी का विवाह नहीं होगा? क्या बेटे का विवाह नहीं होगा? क्या घर में दाल रोटियां नहीं बनेगी? क्या घर में दीपावली और होली का उत्सव नहीं होगा? सब होगा। इसलिए कहता हूं सब कुछ भगवान कर रहे हैं, तुम जबरदस्ती मरे जा रहे हो।
जबरदस्ती परेशान है आज का आदमी। आनंद से रहा करो, खूब भजन करो भगवान का, खूब बढ़िया आनंद से खाओ पियो मौज करो। देखो मैया कैसे बड़ी भैया बात कर रही है आराम से, कोई चिंता ही नहीं होने की, कथा चल रही है भैया बढ़िया निश्चिंत है, ऐसा निश्चिंत होना चाहिए, कोई टेंशन नहीं, हमें सुनने ही नहीं महाराज आप कुछ भी बताओ, हम तो आवाज की गुटर घूमने लगे हैं। चल रही है पंचायत, जीवन में सदा भगवान पर विश्वास। अच्छा चलो ये बताओ आपके चाहने से क्या होता है, आप चाहते हैं कि ये हो जाए क्या हो जाता है, आप चाहते हैं ये हो जाए हो जाता है, बस ये बताओ आपके चाहने से क्या हो जाता है, बोलो क्या होता है, हमारे और आपके चाहने से क्या होता है, सवाल का उत्तर दो मेरी मां, कुछ नहीं होता। आपके चाहने से कुछ नहीं होता यही सत्य है, इसलिए आप जबरदस्ती परेशान हैं टेंशन ले लेके, तुम्हारा चाहा तुम्हारा सोचा नहीं होगा, तुम कर्म करते रहो फल परमात्मा देते रहेंगे, वो परमात्मा चाहेंगे कि क्या होना है वो जानते, एग्जाम देना मेरा कर्म है, पर एग्जाम क्लियर होना ये ईश्वर के हाथ, तुम मेहनत करो होगा ना होगा ये ईश्वर के हाथ में, कर्म में तुम 100% आगे रहो। किसान खेत में बीज बोता है, किसी के खेत में 10 क्विंटल होता है, किसी के खेत में 8 क्विंटल होता है, किसी के खेत में 12 क्विंटल, बताओ जी खाद पानी तो सब किसानों ने बराबर डाला, पर किसी के में 12 हुआ किसी के में 8 ही हुआ, क्यों हुआ, ऐसा होता है कि नहीं मुझे बताओ। बगल वाले के खेत में कम होता है और उसके बगल वाले के खेत में ज्यादा हो जाता, क्यों जी, हाँ या ना, क्यों, यदि तुम्हारी कर्म से ही तुम्हारी मेहनत से ही तुम्हें मिलना है तो फिर मेहनत तो तुमने ज्यादा की, तुम्हें ज्यादा मिलना चाहिए, मेहनत तुम करो कर्म तुम करो फल परमात्मा के हाथ में है, वो कितना देंगे वो वही जानते हैं, वो तुम नहीं जान सकते, और तुम जबरदस्ती परेशान हो रहे हैं। तुम्हारी बेटी के लिए तुम लड़का ढूंढो अच्छा है, कब होगा किसके संग होगा ईश्वर जानते हैं, तुम कर्म करते रहो संयोग होगा, परमात्मा तुरंत सब करा देंगे, तुम चिंता ना करो, कर्म करना। आजकल आप क्या करते हैं, कर्म के साथ चिंता करते हैं, होगा कि नहीं महाराज, होगा कि नहीं, होगा होगा कि नहीं, होगा होगा, धैर्य रखो, हुई है सोई जो राम रची राखा, वही होगा जो परमात्मा को मंजूर होगा, सब उसी के हाथ में है। और आप लोग जबरदस्ती परेशान है टेंशन ले लेके मर रहे हैं चिंता कर करके, कई लोग डिप्रेशन में हैंग हुए घूम रहे हैं, काहे की चिंता भैया तुम्हें, काहे का डिप्रेशन, तुम्हारे हाथ में कुछ है तो काहे तुम मर रहे हो, तुम्हारे हाथ में ही कुछ होता तो तुम बुढ़े ही ना होते जवान ही बने रहते, शरीर भी तुम्हारे हाथ में नहीं है, होता तो हम बूढ़े होते ही ना जवान रहते सदा, हमारे हाथ में क्यों, कौन है, क्या है तुम्हारे हाथ में, जबरदस्ती इंसान बिना बिचारे परेशान है। अरे भाई सब भगवान के हाथ में, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ सब भगवान के हाथ में है, कब तुम्हारा घर बनेगा कब नहीं बनेगा, जिसके भाग्य में जितना धन होता है उतना ही मिलता है, कोई किराए के मकान में रहता है और किसी किसी के खुद के 4-4 बंगले होते हैं खुद के, तो किसी के पास बहुत धन है किसी के पास बिल्कुल नहीं है,
तो आप कहें महाराज हमारे पास तो नहीं, उनके पास बहुत है, उनके भाग्य में जितना था, उन्होंने जैसा कर्म किया था वैसा फल उन्हें मिल रहा है, जैसा कर्म तुमने किया था पिछले जन्म में वो वैसा फल तुम्हें मिल रहा है, सब कर्मों का फल भोग रहे हैं, जो किया था वो पा रहे हो। इसलिए निश्चिंत होके आनंद से कर्म करो और चिंताएं छोड़ दो। आज से आप चिंता नहीं करेंगे। काहे की चिंता? बेटी के विवाह की नहीं, बेटे के विवाह की नहीं, घर बनेगा कि नहीं ये चिंता ना करो, अच्छे नंबर आएंगे कि नहीं ये चिंता ना करो, पढ़ाई करो बस। महाराज जी हमारा व्यापार सफल होगा कि नहीं, व्यापार करो, मन लगा के काम करो, सफल होगा नहीं होगा ईश्वर जानते हैं। तुम कर्म करते रहो भैया, परिणाम पे अभी ना जाओ, ईश्वर परिणाम देंगे। तुम अपना काम करो मस्ती से, मन लगा के। समझ रही हो मेरी माँ? तो आज से आप लोग चिंता नहीं करेंगे। कौन कौन नहीं करेगा हाथ उठा के बता दो, हमें कन्फर्म कराओ। चिंता नहीं करेंगे, चिंता के बदले में एक काम करेंगे। क्या? चिंता नहीं, भगवान का चिंतन करेंगे। हे प्रभु, हे नारायण, हे श्रीमन नारायण, आप ही हमारे पालनहार हो और आप ही हमारे रक्षक हो। बोलो हे श्रीमन नारायण, आप ही हमारे पालनहार हो, आप ही हमारे रक्षक हो। बोलो हे श्याम सुंदर, आप ही हमारे पालनहार हो और आप ही हमारे रक्षक हो और आप ही हमारे परिवार के रक्षक हो, बच्चों के, सबके आप ही हो माता पिता, सबके परमात्मा ही हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम। हे नाथ आप ही सब कुछ हो। जैसे आप हमें चलाएंगे वैसे हम चलेंगे, जैसे आप रखेंगे वैसे हम। फिर देखो जीवन में कितना आनंद होगा। लेकिन हम लोग ये सब बातें भूल जाते हैं, हम फिर चिंता करने लग जाते हैं। भगवान पे विश्वास कर लो मेरी माँ। जब विश्वास हो जाएगा तो आनंद बढ़ जाएगा। आज से भगवान के बन जाओ। बोलो हे नाथ, आज से मैं आपका, आप मेरे, बस मेरी हर मुश्किल का हल भगवान ही है, है ना? मेरी हर मुश्किल का हल कौन? मेरी हर मुश्किल का हल बन जाता तू ही है, उलझन भी मेरी हर पल सुलझाता तू ही है, मेरा तो बस श्याम सहारा तू ही है, मेरा तो बस श्याम सहारा तू ही है। हर मुश्किल का हल बन जाता तू ही है, उलझन भी मेरी हर पल सुलझाता तू ही है। मुश्किल का हल
सहारा तू ही है, मेरा तो बस शान 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 मुश्किल का हल बन जाता तू ही है, उलझन भी मेरी हर पल सुलझाता तू ही है, मेरा तो बस श्याम सहारा तू ही है। बोलो मेरे संग, मेरा तो बस श्याम सहारा तू ही है। ऐसा साथी मिलना तो है किस्मत की बात, अब काहे का डरना कान्हा जब तू मेरे साथ, जब तक तन में ये सांस रहे मुझे बस तेरा विश्वास रहे, विश्वास रहे, मुझे सही गलत का भेद बदलाता तू ही है, मतलब जीवन का मुझे समझाता तू ही है, मेरा तो बस श्याम सहारा तू ही है, मेरा तो बस श्याम सहारा तू ही है। इसलिए किसी और के सहारे ना रहा जाए, सदा भगवान के सहारे रहा जाए, आश्रित रहा जाए, भगवान ही हमारे रक्षक हैं, भगवान ही हमारे पालनहार हैं। इसलिए मैया हमें सदा किस पे भरोसा करना चाहिए? भगवान पे भरोसा करना। प्रहलाद जी ने भगवान पे भरोसा किया, पढ़ने के लिए गए संडामर्क के पास। ये प्रहलाद जी की कथा बड़ी अद्भुत है, जानते हैं? प्रहलाद जी के पिताजी एक बार तपस्या करने गए थे जंगल, तो वहां भगवान एक तोते का रूप बन के आए और भगवान बोले नारायण 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 भगवान कहने लग गए। हिरण्यकश्यपु ने कहा ये तो मेरे दुश्मन का नाम ले रहा है। हिरण्यकश्यपु को लगा मेरे दुश्मन का नाम ले रहा, अपशगुन हो गया, वापस आ गया, आज मैं तपस्या नहीं करूंगा, आज का दिन अच्छा नहीं है, ऐसा हिरण्यकश्यपु ने कहा। पत्नी कयाधु ने कहा आज क्यों आ गए जल्दी भगवान मिल गए? बोले ना आज तो कोई अपशगुन हो गया। क्या अपशगुन हो गया? बोले आज एक तोते ने कहा नारायण नारायण नारायण, पहली बार आज कयाधु ने अपने पति के मुंह से नारायण का नाम सुना। और भगवान का चिंतन करते करते उसी रात कयाधु गर्भवती हो गई, और भगवान का चिंतन करते करते जब गर्भाधान हुआ तो भगवान का भक्त पैदा हो गया, प्रकट हो गया। इसलिए कहते हैं कि गर्भाधान के समय माता पिता को सावधान होना चाहिए, हृदय में भक्ति हो, हृदय में प्रेम हो, भगवान के चरणों में अनुराग हो, तो वैसे ही बच्चा होगा। श्री कयाधु उमा गर्भवती हो गई और हिरण्यकश्यपु दूसरे दिन चला गया। तभी इंद्र आए और कयाधु का हरण करके ले गए। नारद जी ने कहा कहां ले जा रहे हो? बोले इसके गर्भ में जो बालक है उसे नष्ट कर दूंगा, क्योंकि वह हम स्वर्ग के देवताओं को बड़ा कष्ट देगा। नारद जी बोले इसके पेट में जो बच्चा है उससे तुम सभी का भला होने वाला है।
कयाधु को नारद जी अपने आश्रम में ले गए और वहाँ प्रेम से नारद जी कथा सुनाए कयाधु को, बड़ी भगवान की बातें की, भगवान की चर्चा की, तो माँ कयाधु तो भूल गई पर गर्भ का बालक प्रहलाद सब याद कर लिया। और जन्म लेने के बाद वह भगवान का भक्त इसलिए बना क्योंकि भक्ति के बीज तो गर्भ में ही बो दिए गए थे नारद जी के द्वारा। जैसा आप संस्कार देंगे बच्चों को वैसे ही तो बनेंगे। प्रहलाद जी उच्च कोटि के भक्त हुए, पढ़ने गए और वहां जब गुरु पुत्रों ने कहा प्रहलाद जी तुम भी वही खाते हो, हम भी वही, तुम्हें ये ज्ञान कहा, उन्होंने कहा मेरे गुरु जी नारद जी हैं, उन्होंने जो ज्ञान दिया वह ज्ञान यहाँ पर मिलना भी मुश्किल है। वह ज्ञान यहाँ पर जो ज्ञान मिलता है वह केवल पेट भराऊ ज्ञान है। आज स्कूलों में जो ज्ञान मिलता है वो कौन सा ज्ञान है? पेट भरने का ज्ञान, कमा लो खा लो, इससे ज्यादा क्या है? क्या वह अपना उत्थान कर पाते हैं? क्या वह उस शिक्षा के आधार पर अपना परलोक सवार पाएंगे? अरे संसार में इज्जत पा लेना, प्रतिष्ठा पा लेना बड़ी बात नहीं है, पर वहां के लिए क्या है जहां यहां से जाना? हम तो यहां कुछ दिनों की मेहमान है, यहां से आगे भी जाना है। इसलिए शिक्षा जरूरी है पर शिक्षा के साथ दीक्षा जरूरी है, मीन्स संस्कार। प्रहलाद जी को शिक्षा और संस्कार दोनों मिल गए थे तो अब उन्हें किसी की जरूरत थी नहीं। एक दिन प्रहलाद जी अपने मित्रों को उपदेश कर रहे थे, कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवता निहा, जीवन में भागवत धर्म अपनाना चाहिए, छोटी सी उम्र में ही भगवान का भजन स्टार्ट कर लेना चाहिए, भजन के लिए बुढ़ापे का इंतजार नहीं करना चाहिए, क्या बुढ़ापा आएगा भजन करेंगे। प्रहलाद जी ये बातें कर ही रहे थे कि हिरण्यकश्यप आ गया, चल बोल कहाँ है तेरा भगवान, बड़ा भगवान भगवान करता है। मैया आप बताओ भगवान कहाँ रहते हैं? सवाल मेरा आपसे, बताइए भगवान कहाँ रहते हैं? कहाँ मैया बताओ, सब लोग बताओ, एक जन नहीं सब बताओ, बताओ भगवान कहाँ रहते हैं? दिल में रहते हैं, अंदर यहां रहते हैं, कहाँ रहते हैं? भगवान रहते हैं भक्त के विश्वास में। यदि विश्वास है तो भगवान है, नहीं है तो नहीं है। प्रश्न दूसरा खड़ा हुआ कि महाराज जी भगवान है तो दिखते क्यों नहीं, बताओ जी भगवान दिखते क्यों नहीं है? आप मैया बताओ क्यों नहीं दिखते भगवान? अच्छा आप लोगों ने भगवान को देखा कि नहीं? कितने लोगों ने भगवान को नहीं देखा, हाथ उठाओ, बताइए आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने भगवान को नहीं देखा, हाथ उठाइए, मैं आज दिखाऊंगा आपको भगवान, उठाओ हाथ, बस ये बताओ कि आपने नहीं देखा, आपने नहीं देखा तो हाथ उठाइए। तो ये बताओ वृंदावन किसके लिए आए हो, काहे के लिए आए हो? भगवान को देखने आए हो ना, तो ये बैठे हैं भगवान देख लो अपनी आंखों से, कह रहे हो भगवान को नहीं देखा, ये बैठे तो हैं ये सामने आपके, और बिहारी जी को देख लो, राधा रमण जी को देख लो, भगवान वही तो हैं। ये कौन है मैया बताओ, ये जो बैठे हैं ये कौन है, कौन है ये? ये भगवान ही है, मूर्ति विग्रह केवल मूर्ति विग्रह केवल पत्थर या धातु नहीं होती मेरी माँ, जब उसमें आपका विश्वास मिल जाता है तो वही पत्थर वही मूर्ति भक्त के लिए भगवान हो जाती है। क्या प्रहलाद के लिए खंबे से भगवान नहीं निकले? निकले। ये मूर्तियां उनके लिए हैं जिनको विश्वास नहीं है, ये पत्थर उनके लिए हैं जिनको विश्वास नहीं है, जिनको विश्वास है भरोसा है उनके लिए यही भगवान है। और भावना की ज्योत को जलाकर देखिए, बोलती हैं मूर्तियां, बुलाकर देखिए कोई बुलाने वाला हो तो ये बोलते भी हैं।
बिहारी जी, आपको पता बिहारी जी के मंदिर में बार बार पर्दा क्यों लगता है? बार बार मंदिर में पर्दा लगता है, आप खड़े हुए पर्दा लग गया, फिर देखा फिर पर्दा लग गया, फिर देखा फिर, क्यों पर्दा लगता है? आज के बहुत वर्ष पहले एक बूढ़ी मैया आई थी यहां वृंदावन दर्शन करने, राजस्थान की थी, बिहारी जी को देखने आई थी, इतनी श्रद्धा इतना प्यार से देखा कि बिहारी जी उनके पीछे चल पड़े। चलते चलते वो भगवान पीछे पीछे जा रहे हैं, मैया आगे आगे। वो मैया जब अपने घर पहुंची तो भगवान भी पहुंच गए बिहारी जी। उसने देखा, प्रभु आप तो वृंदावन में थे, यहां कैसे आ गए? भगवान बोले, तेरे लिए आया हूं मैया, तूने मुझे इतना प्यार किया, इतना प्रेम करती है कि अब मैं तेरे बिना रह नहीं सकता। अब यहां मंदिर में चोरी हो गई मूर्ति, ऐसा हल्ला हो गया कि बिहारी जी चोरी हो गए। अब तब तक वो मैया भगवान को यहां बगल में दबा के चल पड़ी और यहां लेके आई, बोले महाराज भगवान संभालो, ये हमारे पीछे पीछे चले गए जी। और बिहारी जी के पुजारियों को दिया, बिहारी जी जहां की तहां बैठे। और तब से भगवान को बार बार पर्दा लगाया जाता है कि भगवान की नजरें किसी से ना मिल जाए, नहीं तो भगवान किसी भक्त के पीछे ना चल पड़ जाए, इसलिए किसी से नजरें ना मिल जाए बहुत देर तक, नहीं तो बिहारी जी पीछा कर लेंगे, चले जाएंगे, इसलिए पर्दा बार बार बंद होता है। प्रिय भक्तों, मूर्ति जब श्रद्धा और विश्वास होता है तो ये बात भी करते हैं। लोग कहें महाराज जी भगवान हैं तो दिखते क्यों नहीं? भैया भगवान इसलिए नहीं दिखते क्योंकि दूध में मक्खन होता है, क्या दिखाई पड़ता है? नहीं, नहीं दिखने से यह तो सिद्ध नहीं हुआ कि नहीं होता। एक बार एक संत जी से एक राजा ने कहा, तुम्हारे भगवान हैं तो दिखाओ। संत जी ने कहा, हमें जरा दूध पिलाओ। उन्होंने कटोरा भर के दूध दिया तो संत जी ने दूध के कटोरे में उंगलियां घुमानी शुरू कर दी। राजा ने कहा, क्या ढूंढ रहे हैं, क्या देख रहे हैं? संत जी ने कहा, मैं दूध में घी ढूंढ रहा हूं, घी कहां है? राजा ने कहा, घी ऐसे थोड़ी मिलेगा, कैसे मिलेगा? बोले, घी को पहले जमा कर दही बनाओ, दही का मंथन करो, तब तो मक्खन मिलेगा। अब कोई दूध में ही हाथ डाल के मक्खन ढूंढना चाहे? नहीं जी, दूध में मक्खन होता है पर मक्खन तक पहुंचने का एक प्रोसेस होता है, दही बनाओ मंथन करो। उसी प्रकार भगवान कण कण में है पर वहां तक पहुंचने के लिए एक प्रोसेस है, भक्ति करो, विश्वास करो, भगवान मिलेंगे। अब किसी को विश्वास है नहीं, भक्ति है नहीं, और कोई कहे भगवान दिखा दो, अच्छा ये बताओ आपके कमर में आपके सिर में दर्द होता है कि नहीं? कभी कभी दर्द होता है, क्या दर्द दिखाई पड़ता है? अरे आपको कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो दर्द हुआ होगा। जब दर्द होता है तो क्या दर्द हमें दिखता है? दर्द होता है पर दर्द को दिखाया नहीं जा सकता, केवल उसका अनुभव किया जा सकता है। उसी प्रकार कृष्ण एक दर्द है, उस दर्द को देखा नहीं जा सकता। भक्ति करोगे तो उस दर्द का अनुभव किया जा सकता है, ईश्वर का अनुभव तो हो सकता है, दिखाने का विषय नहीं है। एक सज्जन हमसे बोले, पढ़ा लिखा एक बालक हमसे आके बोला, महाराज जी मैं साइंस का स्टूडेंट हूं और मैं नहीं मानता कि भगवान है, यदि है तो कोई सबूत दो। मैंने कहा, पगले जब तेरा जन्म हुआ तो तेरे मां के स्तनों में दूध आ गया अचानक, भगवान को पता था कि ये जाएगा तो पिएगा क्या, इसलिए दूध की व्यवस्था? क्या ये बात ये जानने के लिए पर्याप्त नहीं है कि ईश्वर की व्यवस्था है? बोला, नहीं महाराज जी कोई ठोस सबूत दो। तो मैंने उससे कहा, ये बता, ये जो तेरे पिता हैं, ये तेरे पिता हैं, इस बात का क्या सबूत है तेरे पास? आप बताइए, आप में से जितने लोग यहां बैठे हैं, आप लोग जिसे अपना पापा कहते हो, अपना पिता कहते हो, ये आपका ही बाप है, इसका क्या सबूत है आपके पास? हो सकता है आपकी मां झूठ बोल रही हो,
है कोई सबूत इसका ठोस? आपने डीएनए टेस्ट कराया नहीं? अरे भाई हमें टेस्ट की जरूरत ही नहीं है, हमें किसी की जरूरत नहीं है। माँ ने कह दिया कि ये पिता है, बस मान लो। माता ने कह दिया कि ये बाप है, मान लो। उसमें किंतु परंतु नहीं होता। उसी प्रकार माँ के कहने से यदि बिना सबूत के पिता को पिता मान लेते हो तो गुरुजन और शास्त्र हमारे माता पिता हैं, वो जैसा कहते हैं उसे मान लेने में ही भलाई है। उस बात को काटने में, किंतु परंतु करने में कोई समझदारी नहीं है। अब कोई अपना बेटा अपनी माँ से, कोई बेटा अपनी माँ से कहे माँ यही बाप क्यों है मेरा, कोई दूसरा क्यों नहीं है, तो पागल जो है वही है, दूसरा कैसे होगा? इसका कोई प्रमाण नहीं है कि यही आपका पिता है, पर आप प्रमाण ना होने पर भी विश्वास सारी जिंदगी करते हैं कि ये मेरा पिता है। उसी तरह भगवान पे भी पिता की तरह विश्वास कर लो कि यही मेरे भगवान है। मैंने उस साइंस पढ़ने वाले स्टूडेंट से एक सवाल और किया। मैंने कहा बेटा सुन, क्या तुमने ये सुना है, बताओ जहर पीने से क्या होता है? उसने कहा मर जाते हैं। मैंने कहा तुमने कभी पीकर ट्राई किया, प्रैक्टिकल किया? तुम तो प्रैक्टिकल पर बिलीव करते हो ना, साइंस के स्टूडेंट हो। क्या तुमने कभी जहर पीकर ट्राई किया? नहीं मैंने तो नहीं पिया। मैंने कहा जब तुमने जहर पिया नहीं तो तुम ये क्यों मानते हो कि जहर पीने से मर जाता है व्यक्ति? जहर पीने से मर जाता है, जहर पर विश्वास है पर भगवान पर विश्वास नहीं। पागल, जहर को तूने पिया नहीं है पर बिना पिए विश्वास कर लिया ना कि जहर पीने से मर जाते हैं। यदि बिना पिए जहर पर विश्वास कर सकता है तो बिना सबूत के भगवान पर विश्वास करने में क्या दिक्कत है भैया? सबूत हम दे रहे हैं। यदि बैक्टीरिया को देखना हो तो आज उसे माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। भगवान को देखना हो तो भक्ति की जरूरत पड़ती है। बिना भक्ति के दर्पण से, बिना भक्ति के चश्मे से भगवान को कैसे देख सकते हैं आप? और यदि कोई फिर भी तर्क वितर्क करे तो फिर इस तर्क का कोई अंत भी नहीं है। और याद रखना मेरी माँ, तर्क करने वालों के आगे भक्त कभी जवाब नहीं देता, क्योंकि परमात्मा तर्क का विषय ही नहीं है। आप उसे तर्क से समझना चाहते हैं, उस पर तर्क करना चाहते हैं जो तर्क का विषय ही नहीं है। इसलिए भक्त कभी तर्क कुतर्क वितर्क में नहीं पड़ता, वो सीधा भगवान का भजन करता। तुम्हें नहीं मानना तो चूल्हे में जाओ, परंतु ईश्वर लिखा है रामचरितमानस में, ईश्वर अतर्क है, भगवान तर्क से परे हैं। हमारे तर्क उन पर लागू नहीं होते ना, वो भगवान। अब सुनो, बिनु पग चले ही सुन ही बिनु काना, कर बिनु कर्म करें विधि नाना। अब मैं आपसे कहूं कि भगवान बिना कानों के सुनते हैं, आप तुरंत तर्क करेंगे? महाराज जी तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। बिना कान के कोई सुन रहा है तो क्या कोई मान लेगा, साइंस मान लेगा? साइंस नहीं मानेगा भैया, परमात्मा साइंस से भी परे है। आप कहते हैं कि बिना कान के कोई सुन नहीं सकता, और बात सच्ची भी है। तुम और हम में ये बात लागू भी है कि हम बिना कान के नहीं सुन सकते, लेकिन भगवान पर ये तर्क काम नहीं करेगा। भगवान बिना कान के भी सुन लेते हैं। क्यों सुन लेते हैं? क्योंकि वो सर्वव्यापी है। हम और आप बिना आंख के नहीं देख सकते, हम पर यह बात लागू है कि हम बिना आंख के नहीं देख सकते, पर भगवान बिना आंख के देख सकते हैं। क्यों जी? क्योंकि वो भगवान है, क्योंकि वो सर्वव्यापी है, क्योंकि वो सब जगह रहते हैं। हम तो केवल वृंदावन रहते हैं, हम तो एक कमरे के भीतर रहते हैं, और भगवान तो पाताल से लेके आकाश तक वही वही है, प्रत्येक कण में वही है। तो उन्हें तुम अपने जरा से तर्क से क्या समझ पाओगे? वो हमारे तर्क से भी परे विषय है। सहस्त्र शीर्षा पुरुषाः, सहस्त्राक्षाः, सहस्त्रपाद। हम आपसे कोई कहे कि किसी के 1000 पांव हैं तो क्या आप मान लोगे? साइंस साइंटिस्टों से कहा जाए कि किसी आदमी के 1000 पांव है
तो भाई 1000 पांव किसी के हो नहीं सकते, क्योंकि आज तक किसी ने देखा नहीं है कि किसी के 1000 पांव होते हैं। पर भगवान के बारे में लिखा है उनके हजारों चरण हैं, हजारों पांव हैं। तो जिनके हजारों पांव हैं उन्हें दो पांव वाला कैसे देख सकता है, समझ सकता है, उनका पार कैसे पा सकता है? दो पांव वाला जिनके हजारों पांव हैं, दो आंख वाला उसके कैसे पार पा सकता है जिसकी हजारों आंखें हैं? इसलिए वो तो हमारे तुम्हारे तर्क की कसौटी में वो कस ही नहीं सकता, वो तर्क के झोले में आ ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा तर्क भी वहां काम नहीं करता। ईश्वर तर्क से भी परे है, ईश्वर को तर्क से नहीं समझा और जाना जा सकता, भगवान को भक्ति और प्रेम से समझा जा सकता है, जाना जा सकता। इसलिए प्रेम करो भगवान कृपा करके, सोई जाने जे देहु जनाई, जानत तुम ही हुई जाई, जैसे वो अपना सब कुछ जनाना दिखाना चाहेंगे सो सब जान लेंगे। प्रहलाद जी ने कहा सब जगह भगवान है, हिरण्यकश्यपु ने कहा खंभे पर है, हाँ, और जो प्रहार किया हिरण्यकश्यपु ने, खंभा चीर कर नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। भगवान प्रकट हुए हैं, भगवान को देख हिरण्यकश्यपु डरा भागा, भगवान ने उठाकर गोद पर लिटाया, बोला मैं मरूंगा नहीं, ना दिन के ना रात के। भगवान बोले ना ये दिन है ना रात, अब तो मरेगा, ये संध्या की बेला है, अब तो मरेगा। बोला ब्रह्मा के बनाए किसी आदमी से नहीं मरूं। भगवान बोले ब्रह्मा मुझे नहीं बनाते, मैं ब्रह्मा को बनाता हूं। हिरण्यकश्यपु ने इतनी चतुराई से वरदान मांगा था कि उसे लग रहा था मैं अमर हो गया। अच्छा, हम कितने भी चतुर हो जाएं पर भगवान के आगे हमारी चतुराई चलती नहीं। क्या रावण की चतुराई चली? क्या हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु की चतुराई चली? चतुराई किसी की नहीं चलती। इसलिए चतुर ना बनो, भक्त बनो। हिरण्यकश्यपु की छाती को विदीर्ण कर दिया भगवान ने, हाथों को निकाल कर गले की माला बनाकर धारण कर लिया। अद्भुत दर्शन, अद्भुत दृश्य था। ध्रुव जी महाराज की पावन कथा, अब प्रहलाद जी का पावन चरित्र। भगवान ने हिरण्यकश्यपु को मारकर प्रहलाद से कहा बेटा कुछ मांगो, स्तुति की ना, सब डर के भाग गए, कुछ मांगो। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु कभी कुछ मांगने की इच्छा ही ना हो यही वरदान चाहिए। प्रहलाद जी भगवान के कौन से भक्त थे? निष्काम भक्त थे। कौन से भक्त मेरी माँ? भक्त दो प्रकार के होते हैं, एक सकाम मतलब कामनाएं लेकर के, मुझे ये दे दो मुझे वो दे दो, भिखारी टाइप के मांगने वाले, और एक भक्त होते हैं निष्काम जिन्हें कुछ नहीं चाहिए। आपको भगवान से क्या चाहिए बताओ? आप लोग मांगते हो कि नहीं भगवान से? महाराज बहू के बेटा हो जाए, बच्चे की नौकरी लग जाए भगवान, हे भगवान घर बन जाए, हे भगवान काम लग जाए, हे भगवान पैसे आ जाएं। आप लोग यही तो मांगते हैं, इससे ज्यादा आप क्या मांगेंगे? आपका इससे ज्यादा आपकी बुद्धि नहीं है, इससे ज्यादा आप मांगेंगे क्या? लोगों की बुद्धि सीमित है ना, वो एक कहां तक जाएगा, क्या क्षमता है? भगवान को सब पता है। सामान्य बातें हैं, बेटा मांग लेना, बहू मांग लेना, ये मांग, ये क्यों मांग, ये तो सब चारा भूसा है, ये तो मिलेगा ही। भाग्य में तुम्हारे पैसा है मिलेगा, पत्नी है मिलेगी, पति है मिलेगा, पुत्र है मिलेगा, ये सब भाग्य पर निर्भर करता है। तुमने अच्छे पुण्य किए होंगे, तुम्हें बेटा बहू सब कुछ मिलेगा, घर दौलत सब मिलेगी। भगवान भाग्य से नहीं मिलते, बेटा भाग्य से मिलता है, पैसा भाग्य से मिलता है, परिवार भाग्य से मिलता है, पर भगवान भाग्य से नहीं मिलते। भगवान तो पुरुषार्थ से मिलते हैं,
भगवान भाग्य से नहीं, भगवान भाव से मिलते हैं। भाव है तो मिलेंगे। भाग्य के बल तो पत्नी पति बेटा बेटी ये भाग्य के अधीन है, पर भगवान भाग्य से के भाग्य में भगवान होंगे मिल जाए ना जी। बिनु हरि भजन न भवत रही, यह सिद्धांत अपैल। बिना भक्ति के ये भगवान नहीं मिलेंगे, बिना प्रेम के ये भगवान नहीं मिलेंगे। राम ही मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय, भगवान बिना प्रेम के नहीं मिलते। समझ रहे हैं? भगवान को पाने के लिए क्या चाहिए मेरी माँ? क्या चाहिए? जोर से, प्रेम चाहिए। राम ही केवल प्रेम प्यारा। इसलिए प्रहलाद जी की सदगति हुई है, भगवान ने उन्हें हृदय से लगाया है। एक बार भगवान ने हाथी का उद्धार करने के लिए, हरि अवतार, एक बार हाथी का पांव मगर ने पकड़ लिया। एक हाथी था वो पानी में नहाने गया, मगर ने पांव पकड़ लिया। अच्छा भैया, आप लोगों का पांव मगर ने तो नहीं पकड़ा? नहीं, कोई कह रहा था मगर ने पकड़ लिया। एक मैया हमसे बोली, महाराज जी कछा में आ तो जाते मगर, देखो पांव पकड़ा मगर ने, कछा में आ तो जाते मगर। महाराज जी कछा वृंदावन आके सुन तो लेते मगर, पांव किसने पकड़ लिया? तो ये मगर तब भी पकड़ता था, ये मगर अब भी पकड़ रहा है। मगर तो हाथी का पांव किसने पकड़ लिया? मगर ने। हाथी को ले डूबा पानी में। तुम्हारा ये आलस्य है ना, भगवान के भजन में तुम लेट कर रहे हो। समय हो गया है भक्ति का। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां तू सोवत है। जागो, भगवान में लगो, अपनी मेहनत करो मन लगा कर। लेकिन आज का व्यक्ति उसका पांव मगर ने पकड़ा। महाराज जी सवेरे 5 बजे उठ तो जाते मगर, महाराज जी शराब तो हम छोड़ देते मगर। हर बात पर मगर है। मगर ने पांव सबके पकड़े, ये मगर कुछ करने नहीं देता। और मगर अपनी तरफ खींच रहा, पानी के अंदर ले गया, और हाथी का शरीर डूब गया। सूंड बची तो एक कमल का पुष्प तोड़ कर दिया भगवान को। हाथी की पत्नियों ने कहा, हाथी ने बुलाया, पत्नी बचाओ बेटा बचाओ। पत्नियां भाग गई बेचारी, बेटे भाग गए। ये दुनिया के लोग भी कब तक सपोर्ट करेंगे, कब तक साथ देंगे? सब अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए तुम्हारे पास हैं, है ना मैया? सब स्वार्थी हैं, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि जन की यह रीति। बताओ सब स्वार्थी हैं या नहीं? बोलो हाँ या ना। ये हो सकता है कोई ज्यादा है कोई कम है, पर स्वार्थी सब हैं भगवान। बेटा स्वार्थी होता है, पत्नी भी स्वार्थी होती है, पति भी स्वार्थी होता है। सब अपने स्वार्थ के बस में है। पत्नी मर जाए तो पति दूसरा विवाह कर लेता है। क्यों जी? क्योंकि अब उसका स्वार्थ पूरा हो नहीं रहा। उसे तो अपने स्वार्थ से मतलब था, पत्नी से थोड़ी मतलब था। पत्नी से मतलब होता तो पत्नी तो मर गई, दूसरी पत्नी करने की क्या जरूरत थी? मतलब पति से होता तो पति चला गया, फिर दूसरे पति की क्या जरूरत थी? अब तुम्हारा स्वार्थ पूरा नहीं हो रहा है। हर व्यक्ति स्वार्थ से जुड़ा है। हाथी को पत्नियों ने, पुत्र ने छोड़ दिया, कोई सहारा नहीं।
तब हाथी ने सूंड उठाकर भगवान को याद किया, ओम नमो भगवते तस्मै यत एतत् चिदात्मकं पुरुषायाद विजाय परेशायाभिधीमहि। हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, अब कोई सहारा नहीं है। और मैं आपसे कहूंगा मैया, आप सब जाने वाले हैं, समय सबको ले जाता है, परमानेंट कोई नहीं है, इसलिए अपनी तैयारी में लग जाओ। आप लोग वृंदावन आई हो मैया, कितने सूट केस लाई हो भर के ये बताओ, कितने बैग लाई हो? एक। अच्छा मैया ने दो लाई है ना? सात दिन के लिए एक एक बड़ा सा बैग ले आई हो, आप दो दो लाई हो, कितने दिन के लिए? सात दिन के लिए। और जहां हमेशा के लिए जाना वहां के लिए भी तो कुछ बैग बैग भरना शुरू करो अभी से, वहां तो हमेशा ही के लिए जाना, वहां से वापस नहीं आना। यहां तो सात दिन बाद घर फिर मिल जाएगा, पर एक दिन जाओगे तो फिर वापसी नहीं होगी, इसलिए तैयारी अभी से। हाँ जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, तेल चमेली और कोई साबुन, तेल चमेली और कोई साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, तेल चमेली और कोई साबुन, तेल चमेली और कोई साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमाने। आवागमन लगा दुनिया में, ये दुनिया में आवागमन लगा कोई आ रहा है कोई? आवागमन लगा दुनिया में, अंत समय में उखड़ जाएंगे, अंत समय में उखड़ जाएंगे, तेरे तंबू टेंट, जगत में कोई न परमानेंट। आखिरी समय सारे तुम्हारे तंबू टेंट उखड़ जाएंगे, सब कुछ चलो, जो तुम्हारे पहनने वाले सारे कपड़े हैं ना, सब बहू दे देगी कामवाली बाई को, ले पहन ले, इसको देखती हूँ बुढ़िया की याद आती है, ले जा, सब तंबू टेंट उखड़ जाएंगे, तुम्हारा तंबू टेंट जो तुमने गाड़ रखा है, ये सब जोड़ रखा है सब। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, मन में नाम हरि का राखो, मन में नाम हरि का राखो, चाहे धोती पहनो या पैंट, जगत में कोई न परमाने। चाहे कोई धोती पहने चाहे पैंट शर्ट पहने, तुम्हारे पहनावे से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा भाव कैसा है उससे फर्क पड़ता है, कपड़े कैसे हैं से कोई फर्क नहीं पड़ता। राष्ट्र या जर्नल कर्नल हो या, राष्ट्र या जर्नल कर्नल हो या, काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा, चाहे लेडी हो या
यार जेंट्स, जगत में कोई ना परमाने। साधु संतों की संगत कर लो, साधु संतों की संगत कर लो, ऐसी कथा भागवत से तुम तो, ऐसी कथा भागवत से तुम तो कभी न हो न अपसेंट, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। तेल चमेली और कोई साबुन, 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 चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। आवागमन लगा दुनिया में, आवागमन लगा दुनिया में, आवागमन लगा दुनिया में, आवागमन लगा दुनिया में, अंत समय में उखड़ जाएंगे, अंत समय में उखड़ जाएंगे, अंत समय में उखड़ जाएंगे, तेरे तंबू टेंट, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, मन में नाम हरि का राखो, मन में नाम हरि का राखो, मन में नाम हरि का राखो, चाहे धोती पहनो या पैंट, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। राष्ट्रीय जर्नल कर्नल हो या, राष्ट्रीय जर्नल कर्नल हो या, काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाए, चाहे लेडी हो या जेंट, जगत में कोई न परमाने, 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 जगत में कोई न परमाने।
कोई परमानेंट नहीं मैया। हाथी ने भगवान को पुकारा, कोई नहीं सुना, भगवान ने सुनी। अंत में सुनना भगवान को ही है, इसलिए हम हाथ जोड़ के कहते हैं बाद में पुकारोगे, अभी से पुकारना शुरू कर दो, काम वही आएंगे। हाथी के पांव को मगर ने पकड़ा, कमल का पुष्प तोड़कर उन्होंने भगवान को दिया। पुष्प का नाम है सुमन, सुंदर मन भगवान को समर्पित किया हाथी ने। भगवान आए, हाथी का कल्याण हुआ, हाथी का तो मोक्ष हुआ, पांव पकड़ा मगर ने उसका भी कल्याण हुआ। इसके बाद भगवान ने समुद्र मंथन किया, धनवंतरी कक्षप मोहिनी अवतार धारण किए भगवान ने। समुद्र मंथन से भगवान ने सबसे पहले जहर निकला, देवताओं राक्षसों ने वासुकी नाग की रस्सी बनाई, वासुकी नाग की रस्सी, पर्वत रखा मंदराचल पर्वत, और मंथन शुरू किया। भाई ये देखो इनकी आवाज आ रही है, ठीक है, चेक करो ना बेटा, हाँ अब ठीक है। तो समुद्र मंथन में जहर निकला, भगवान शंकर ने पिया, कामधेनु नाम की गाय के लिए ब्राह्मणों ने लिया, उच्चैःश्रवा नाम का घोड़ा निकला जिसे बलि ने लिया, ऐरावत नाम का हाथी निकला जिसे इंद्र ने लिया, कौस्तुभ मणि निकली जिसे भगवान ने धारण कर ली। अंत में धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए, देवासुर संग्राम हुआ, मोहिनी भगवान ने देवताओं को अमृत पिलाया। राहु केतु की भी पावन कथा है। राजा बलि 99 यज्ञ पूरे कर लिए, तब वामन भगवान भिखारी बन के पहुंचे। भगवान की लीलाएं देखो कितनी मधुर हैं। भगवान अपने भक्त को मारते नहीं। उसके घर में क्या बन के पहुंचते हैं? भिखारी। वामन भगवान आज क्या बन गए? राजा बलि के यहां गए और तीन पग भूमि मांगी, तीन पग देने का हां किया, तो भगवान ने तीन पग में सब नाप लिया। भगवान चाहते तो राजा बलि को युद्ध करके पराजित कर देते, सब छीन लेते, क्या कर लेता, लेकिन नहीं। भगवान कहते हैं दान करने वालों का मैं भी सम्मान करता हूं, और देने वालों के घर तो भगवान भी लेने के लिए पहुंच जाते हैं किसी ना किसी रूप में, इसलिए देने वाला बड़ा होता, इसलिए परमात्मा ने देने के लायक बनाया है तो हमें देना चाहिए। कंजूसी नहीं करना चाहिए। कई लोग अपने धन को धर्म के नाम पर देने से भागते हैं। देखो पैसे खर्च होने ही हैं, धन की तीन ही गतियां हैं, दान भोग और नाश। पैसा है तो दान कर लो या उसका उपयोग कर लो, नहीं करोगे दोनों तो तीसरा पैसा नष्ट हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। पैसे की यही गतियां हैं। पैसा क्या करता, सुनो, कई लोग बीमार पड़ जाते हैं, डॉक्टर के पास चला गया सारा पैसा, सारी पूंजी जमा पूंजी डॉक्टर ले गया। क्यों ले गया? क्योंकि तुमने कभी धर्म के नाम पर तो रुपया भर खर्च किया नहीं। और धन तो देखो जाता है, लक्ष्मी चंचल है, लक्ष्मी माता ठहरती नहीं है। यदि धन को धर्म से जोड़ते रहे तो लक्ष्मी जी बरसती रहेंगी, आती रहेंगी, और नहीं तो फिर लक्ष्मी जी कहेंगी तो हमें पकड़ के रखा, लक्ष्मी जी किसी भी रास्ते से चली जाएंगी। इसलिए कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरे से ये कहा कि महाराज जी, कई लोग ऐसे हैं जो महीने में एक बार अन्न क्षेत्र, गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र संतों का बढ़ता है ना, कई लोग महीने में एक अन्न क्षेत्र तो अपना कराते ही कराते हैं, महीने में एक बार, कई लोग महीने में दो बार,
कई लोग साल में एक बार। तो हमने कहा भाई आप दो दो बार महीने में क्यों करा लेते हैं? बोले महाराज जी जब से हमने अपने धन से धर्म करना स्टार्ट किया है तब से हमारा धन बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा। मतलब धन को धर्म से जोड़ने से धन बढ़ता है। विश्वास ना हो आप तो प्रैक्टिकल आप करके देख लीजिएगा। धन धर्म में जोड़ने से सदा धन कई गुना बढ़ता है। धन कब बढ़ता है? जब धर्म से जुड़ता है। इसलिए जरूरी नहीं है कि हम बहुत ज्यादा दें, जिस लायक विधाता ने बनाया उस प्रकार से दो। एक रुपए देने के लायक हो 1 रुपए देना, 1,000 देने के लायक हो 1,000 देना, 1,00,000 देने लायक ईश्वर ने बनाया है तो 1,00,000 भी देना, 10,00,000 देने लायक बनाया है 10,00,000 दीजिए, 1,00,00,000 देने के लायक परमात्मा ने बनाया है 1,00,00,000 दीजिए। क्योंकि आप जितना देते हैं ईश्वर उतना आपको उसका ब्याज सहित कई गुना करके ईश्वर देते हैं। हम देते हैं सो पाते हैं। आज बहुत लोग बहुत अमीर हैं और बहुत लोग बहुत गरीब हैं। क्यों? कोई बहुत अमीर क्यों हो गया? क्योंकि उसने किसी जन्म में बहुत दान पुण्य किया होगा तो आज अमीर के घर पैदा हुआ। पैसे की कोई कमी नहीं है क्योंकि धन दान किया। और कई लोग बिल्कुल रोटियों को मर रहे हैं, तरस रहे हैं कि महाराज जी रोटी भी नसीब नहीं हो रही है, धन नहीं है, पैसा नहीं है। मतलब तुमने कभी दान पुण्य नहीं किया इसलिए गरीबी है। अब कर लो थोड़ा ही सही। चलो कुछ भी नहीं कर सकते हो ना, घर में एक मुट्ठी चींटियों को आटा डाल दिया करो। चींटी को आटा डालना भी दान है, कुत्ते को रोटी खिलाना भी दान है, और गौ माता की रोटी, पहली रोटी गौ माता की निकालना दान है। तुम कुछ नहीं देने के लायक हो तो चुटकी भर आटा उठा के चींटियों के बीच में धुरक दो, चींटियां खाएंगी, वह भी दान है। किसी के पेट में तुम्हारी मेहनत की रोटियां जाती हैं, अन्न जाता है, और जब उसका उसकी उसकी भूख मिटती है, जब सामने वाला तृप्त होता है तुम्हारे द्वारा, तो ईश्वर भी तुम्हें तृप्त कर देता है धन धान्य से। तुम किसी को तृप्त करोगे तो ईश्वर तुम्हें तृप्त करेगा। तुमने नहीं किया तुम भी भूखे परेशान हो। इसलिए लेने का भाव कम, देने का भाव ज्यादा। मेहनत करो, पैसा कमाओ, पर कमा के उसको धर्म से जोड़ो। कई लोग हमसे बोले महाराज जी जब से हमने वृद्ध माओं को गोद लिया है, एक वृद्ध माँ को गोद लिया, माँ का आशीर्वाद ऐसा हुआ कि बिगड़े काम बनने लग गए हैं, और ऐसी कृपा है कि अब धन की कोई कमी नहीं है। कई लोग तो कहते हैं हम हर महीने माँ के रोटी के लिए हम देंगे, हर वर्ष हम एक माँ को गोद लेंगे, जीवन भर रोटी देने का संकल्प करेंगे। यहाँ गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में 230 माताएं रहती हैं। आप इन माओं के बारे में कभी भी सोच सकते हैं, कभी भी नमाओं के लिए रोटी निकाल सकते हैं। जब आप खाया करो तो ये सोचा करो कि आपकी एक माँ वृंदावन में रहती है, वो माँ जिसके बच्चों ने ठुकरा दिया। यहां ऐसी ऐसी माएं रहती हैं जिनके कोई सहारा नहीं है। एक मैया ने आज हमसे बताया, बेटा हम 7 महीने से यहां रह रहे हैं, हमारे बेटे का आज तक कोई फोन नहीं आया। एक माँ ने बताया कि हमें हमारा बेटा ही यहाँ गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में छोड़ के गया है बेटा। हमने पूछा क्यों छोड़ के गया? बोले बहू खाना नहीं देती। तो बेटे को लगा कि माँ तो मर जाएगी, मेरी पत्नी मार डालेगी। तो मैंने कहा बेटा डांटता नहीं है अपनी पत्नी को? बोले पत्नी बहू बेटे को मारती है, पत्नी पति को मारती है। तो बेटे को लगा माँ मर जाएगी, ये भी मारती है मुझे, तो माँ को फिर यहाँ छोड़ के गया। जब पत्नी को सद्बुद्धि देंगे भगवान, तब वो बेटा अपनी माँ को लेके जाएगा। अब पता नहीं कब सद्बुद्धि जन्म में आती है कि नहीं। लो ऐसी ऐसी बहुएं हैं कि सास को भी रोटी नहीं देती, वो पति 3-5 करे तो उसे भी मारती है। ले प्रसादी। है ना, ऐसी भी ऐसी मैया, ऐसे लोग होते हैं।
मैंने जीवन में एक बार बस देखा है कि एक पत्नी ने अपने पति को जूता फेंक के मारा, बेचारा भाग गया तो लगा नहीं तो लगता भी। तो आजकल की पत्नियां बहुत पढ़ी लिखी हैं, ये वो शिक्षा है जिसमें शिक्षा तो है पर संस्कार नहीं। संस्कारहीन शिक्षा ऐसी होती है, सुन लो, संस्कार युक्त शिक्षा सदा बड़ों का सम्मान कराती है। यदि आपके पास शिक्षा के साथ साथ संस्कार हैं तो आप बड़ों का सम्मान करेंगे, और अकेली शिक्षा है तो आप कभी अपने से बड़ों का सम्मान, क्योंकि शिक्षा सम्मान नहीं करती, शिक्षा अहंकारी बनाती है। संस्कार हमें नम्र बनाते हैं। विद्या ददाति विनयम, वही विद्या है जिसमें नम्रता है, जिसमें बड़ों के प्रति सम्मान है, बड़ों का सम्मान है। अब देखो ऐसी वृद्ध माँ यहां रहती है, मैं क्या क्या कहानियां बताऊं आपको। बहू खाना नहीं देती। माँ ने आज मेरे से बताया कि महाराज जी मैं लगभग 20-25 दिन बिस्किट खा खा के जिंदा रही हूं, बहू ने भोजन तक नहीं दिया। वो माँ यहां है, और सोचो कि जिनकी अपनी औलाद आज माओ को भोजन नहीं देती, उन माओ के लिए जब आप रोटी निकालेंगे तो क्या ईश्वर की नजर आप पर नहीं पड़ेगी? जरूर मेरी माँ, आप ही सच्चे भक्त हैं, आप ही सच्चे हैं। आप लोग ही जब इन माओ पे दया करते हैं, आप लोगों के हृदय में दया करुणा जागती है, तो इन माओ की सेवाएं होती हैं। और आप ही नहीं करोगे इन माओ की सेवा, आप ही नहीं सोचोगे इन माओ के बारे में, आप ही फिक्र नहीं करोगे इन माओ की, आप ही इन्हें नहीं अपनाओगे तो फिर कौन अपनाएगा? इसलिए मुझे बताओ, ईश्वर ने आपको देने के लायक बनाया है कि नहीं? हाँ या ना? बनाया है? अरे कुछ नहीं दे सकते। एक मैया मेरे पास 10 रुपए लेकर आई, बोले महाराज जी भाव बहुत ज्यादा है कि मैं अन्न क्षेत्र अपनी ओर से बंटवाऊं, संतों को भोजन करवाऊं, माताओं को भोजन करवाऊं, पर मेरे पास सिर्फ 10 रुपए हैं। मैंने कहा माँ ये 10 रुपए बहुत हैं। बोले बेटा 10 रुपए से क्या होगा। मैंने तुरंत माँ के सामने ही नमक की थैली बुलवाई 10 रुपए की, और नमक की थैली 10 रुपए की आई, सारी दाल सब्जी में नमक डाल दिया। मैंने कहा माँ लो तुम्हारी तरफ से आज का भंडारा हो गया, सब तक तुम्हारा नमक चला गया। अरे आप लाखों नहीं दे सकते तो एक नमक की थैली देने लायक तो ईश्वर ने बनाया ही होगा। मैं ये थोड़ी कहता हूं कि सारी दौलत दे दो, ना जी, अपने लिए बचा के रखो, पहले अपने परिवार की सेवा में लगो, पहले अपनी जरूरतें पूरी कर लो, और फिर पूरी करके भी याद आवे इन वृद्ध माओं की तो जरा 2-4 रोटी के बारे में सोच के कुछ सेवा सहयोग जिस लायक विधाता ने आपको बनाया है कर सकते। आप भी किसी एक वृद्ध माँ को गोद ले सकते हैं, आप भी एक वृद्ध माँ को जीवन भर रोटी देने का संकल्प कर सकते हैं, आप भी एक माँ को गोद लीजिए। कभी माँ ने आपको गोद लिया था, आज माँ को गोद लेने का आशय यह है कि एक वृद्ध माँ को जब आप गोद लेते हैं तो आपके 21,000 रुपए के सहयोग से जीवन भर एक माँ को भोजन मिलता है आपकी तरफ से। आपको गर्व होगा कि हमारी एक वो माँ जिसके कोई सहारा नहीं उसको हम एक रोटी का सहयोग कर रहे हैं। यदि एक माँ की थाली में 4 रोटियां हैं तो एक रोटी आपकी रोटी हो उस माँ की थाली में। आप 21,000 से किसी माँ को जीवन भर एक रोटी देने का संकल्प जरूर कीजिएगा। आप गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में वृद्ध माओं को रहने के लिए छत का सहयोग ईश्वर ने करने लायक बनाया है तो कीजिएगा। एक छत का सहयोग आप कर सकते हैं, माओं के लिए एक बड़ा आश्रम बनने जा रहा है जहां 1,000 वृद्ध माएं रहेंगी। आप एक छत अपनी ओर से डलवा सकते हैं ताकि आपकी छांव में ये वृद्ध माएं अपना बचा हुआ समय व्यतीत कर लें। छाया दान है ये। आप इन माओं के लिए एक कमरा बनवा सकते हैं जहां
आपकी छाव में ये वृद्ध माएं अपना बचा हुआ समय व्यतीत करेंगी। तो इन माओं का सहारा जरूर बनिए जिनका कोई सहारा नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई इनकी तरफ देखने वाला नहीं। आओ हम सब मिलकर इन माओं की सेवा करते हैं। अभी 230 माएं हैं, आप में से कितने लोगों ने वृद्ध माओं का दर्शन किया? भैया हाथ उठा के बताओ, मेरी माँ, भैया जी, आप सब, आपने देखा? तो जैसा टीवी पर देखा आपने, सुना, वैसा ही यहां पाया या नहीं? जोर से हाँ या ना। जैसा टीवी पर देखते हैं वैसे ही पाते हैं ना। कभी भी वृंदावन आइए। आज मेरे से एक सज्जन ने कहा, महाराज जी, हमने टीवी पर जैसा देखा था, जैसा सुना था, कहीं उससे ज्यादा पाया है हमने यहां पर। कई चीज तो टीवी पर दिखती नहीं है जो आप यहां आकर अपनी आंखों से देखते हैं। आपने देखा? तो आप भी कभी वृंदावन आए तो वृद्ध माओं का दर्शन अपनी आंखों से करें। और यहां उन माओं की क्या व्यवस्था है, क्या सेवा है, अपनी आंखों से देखकर संतोष कीजिएगा। और यहां जितनी भी माएं रहती हैं, किसी माँ से कोई पैसा नहीं लिया जाता, सब माओं को निःशुल्क रखा जाता है। कभी भी आप आकर माओं से स्वयं पूछ लीजिए सारी जानकारी। आप सभी माओं से बात कर ली, आप में से कितने लोगों ने माओं से बातचीत की है? बातचीत की आप लोगों ने माओं से? आप स्वयं आइए और बातचीत करिए, स्वयं देखिए, स्वयं मिलिए। कभी भी आइए, 24 घंटे। रात्रि को माँ सो जाती है इसलिए दिन में ही आइए, समय से आकर माओं का दर्शन। और यहां ये माएं देखिए, ये वृद्ध माएं, क्या उम्र है, घर में रहने का समय है, प्यार पाने का वक्त है, लेकिन बच्चे मां की सेवा नहीं कर पाते। देखिए वृद्ध मां, 82 वर्ष की आयु है मैया की, 82, 80 पार कर गई है ये मैया अपनी उम्र को। 80 साल बच्चों को इन्होंने दिया है, बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया है, पढ़ाया लिखाया है, उंगली पकड़कर चलाया है, लेकिन जब बच्चे, इन बच्चों का मां ने मलमूत्र धोया है, लेकिन जरा मां की सेवा करने का वक्त आया तो बच्चे मुकुर जाते हैं, भाग जाते हैं। ये मां देखिए ना, इन्होंने मुझे जन्म तो नहीं दिया, जिन्हें जन्म दिया था वो तो सेवा करने को तैयार नहीं है। इन्होंने मुझे जन्म नहीं दिया, पर धर्म कहता है कि इस धरती की हर मां मेरी मां है, तो इस भाव से ये मेरी मां है और इनकी सेवा करना मेरा धर्म है। मैया जी कहां से आई है? मैया मेरठ। कहां से? मेरठ कैंट। मेरठ कैंट, शिवलोक कंकड़ खेरा, खेड़ा, खेड़ा की खेरा, खेरा, खेरा। कितने बच्चे हैं मैया जी आपके? दो बेटे हैं। तो दोनों बेटे हैं, फिर भी आपको यहाँ क्यों आना पड़ा? सेवा नहीं करते क्या? एक बहू परेशान करती है, खाना मेरा गैस चूल्हा अलग रख दिया कि अपना खाना अपने आप बनाओ, मैं बनाती हूँ तो उसमें कमोड का पानी, कभी लैट्रिन का पानी डाल देती है, कपड़े धो के डालती हूँ तो उनमें नाली का पानी डाल देती है, पेट में खाए बिना तो रहा नहीं जाता है। माँ भोजन बनाती हैं तो लैट्रिन का पानी डाल देती है, अब देखिए ये बहू। अब अकेले माँ कैसे बनाएंगी? देखिए इतनी वृद्ध है ये माँ कि अपना ठीक से चल भी नहीं पाती, इनका हाथ भी बहुत अच्छे से काम नहीं कर पाता, अभी इस उम्र में कैसे बनाएंगी? तो क्या बहू का इंसानियत के नाते ये भी फर्ज नहीं है कि वो अपनी बूढ़ी सास को, बूढ़ी माँ को दो रोटियां दे सके? हाथ जोड़ के कहता हूं, मेरी माँ अत्याचार ना करो इंसानों पर, भगवान पत्थर में नहीं होते, भगवान इन वृद्ध माओं में होते हैं। इन माओं का दर्द, इन माओं की पीड़ा खुद की औलाद नहीं सुनेगी, नहीं समझेगी तो कौन समझेगा ये बताओ? अलग चूल्हा दे दिया और अलग देने के बाद जब मैया बनाती हैं तो उसे भी ठीक से खाने नहीं देती,
तो मैया जी दो बेटे हैं, तो दो में से किसी बेटे ने नहीं कहा कि माँ हम सेवा करेंगे आपकी? एक बेटा तो पहले ही अलग हो गया था, तो उसने नहीं बोला कि माँ आप हमारे पास आओ हम आपकी सेवा करेंगे? नहीं। तो ये जो दूसरा बेटा है उसकी बहू आपके साथ ऐसा करती है, तो बेटे ने रोका नहीं कि अपनी पत्नी को? बेटे को पता नहीं है, मैं शिकायत करना भी नहीं जानती, ज्यादा बोलना भी नहीं जानती, इसलिए मैं आपसे कहा करता हूँ, बेटों से कहा करता हूँ कि 5 मिनट का समय निकाला करो, माँ के चरण दबाया करो, माँ का हालचाल पूछा करो, माँ कैसी हो, कहाँ हो, क्या हो। बहुएं अत्याचार करती रहती हैं, वो बहुओं के बारे में बोल रहा हूँ जो करती हैं। मैं हर बहू पर आक्षेप नहीं लगाता, हर बहू पर नहीं बोल रहा हूँ, उन बहुओं पर जो अपनी सास पर अत्याचार करती हैं। अरे बेटा तुम अपनी माँ के साथ बैठो, बात करो, माँ कैसी हो, पूछो हालचाल। हो सकता है तुम्हारी पत्नी तुम्हारी बूढ़ी माँ के साथ अत्याचार कर रही हो, उसका एक जीता जागता सबूत ये है। कौन बहू अपनी सास के भोजन में लैट्रिन का पानी डालती है भाई? पर इनकी बहू डाल रही है, और बेटे ने कभी हालचाल लेने की कोशिश नहीं की अपनी माँ के साथ बैठने की। पत्नियों के भरोसे माँ को ना छोड़ा करो, माँ ने जब किसी के भरोसे तुम्हें नहीं छोड़ा तो तुम भी किसी के भरोसे अपनी माँ को ना छोड़ो, माँ की सेवा खुद करो। आपकी सेवा आपकी जिम्मेदारी है, माँ की सेवा करना आपको आप पर अधिकार है, तुम्हें पेट में रखा है, तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, अब तुम ही मुकुर जाओगे, तुम ही सेवा नहीं करोगे, कौन सेवा करेगा? इसलिए ना सताओ बूढ़ों को, ना सताओ इन माओं को। ये बहुएं ये बेटे ये माओं को नहीं सता रहे हैं, ये माओं के रूप में भगवान को सता रहे हैं, ये अपने पाँव में कुल्हाड़ी मार रहे हैं, इनका भविष्य बहुत खतरे में है। इसलिए कमजोरों को ना सताइए, वृद्ध माओं को ना सताइए। मैया जी यहां कब आई आप? यहां आपसे कोई पैसा तो नहीं लिया गया, आपसे रहने का कोई चार्ज तो किसी ने नहीं मांगा? नहीं, मैं 3 साल से बाहर रह रही हूँ, कानपुर में एक बिठूर नाम की जगह है, वहां आश्रम में रह रही हूँ। तो यहाँ का पता आपको किसने दिया? मैं ट्रेन से आ रही थी, किसी महिला ने बताया। ये मैया परसों ही यहाँ आई हैं, और ये किसी ने बताया कि यहाँ गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में जाओ आपकी सेवा होगी। देखिए कोई भी अब भारत का कोई भी व्यक्ति किसी की भी मदद कर सकता है, और ये वृद्ध माँ जिनका कोई सहारा नहीं था उन्हें किसी ने यहाँ का पता बता दिया, मैया यहाँ आई। मैं मैया जी आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके दो बेटों ने भले आपकी सेवा ना की हो, पर ये तीसरा बेटा आपका जरूर आपकी सेवा करेगा, हम सभी मिलजुल कर आपकी सेवा करेंगे। ये दास अनिरुद्ध अब आपकी सेवा का संकल्प लेता है, ऐसी वृद्ध माओं की सेवा करना मेरा धर्म है। इन माओं से यहाँ कोई चार्ज नहीं लिया जाता। कई लोग ये हम पे आरोप लगाते हैं, कुछ लोग, कि महाराज जी आप तो पैसे लेके माओं को रखते हैं। मैया आपसे कोई पैसा तो नहीं लिया, हमने कोई पैसा तो नहीं मांगा? नहीं, किसी भी माँ से कोई पैसा नहीं लिया जाता, किसी भी प्रकार से कोई रहने का शुल्क नहीं लिया जाता, 1 रुपए भी। माएँ यहाँ बड़ी प्रसन्नता से रहती हैं। मैया अब आप यहीं रहो, ये दास अनिरुद्ध आपकी सेवा करेगा। बताओ मेरे भारतवासियों, इन माओं की सेवा करना धर्म है या नहीं? इसलिए इससे बड़ा कोई धर्म नहीं, इसलिए अपने दोनों हाथ इन माओं के लिए जरूर बढ़ाइएगा। ईश्वर ने आपको कुछ देने के लायक बनाया है, इन माओं का सहारा बनिएगा। एक कमरा बनवा के इन माओं को समर्पित कर सकते हैं आप। गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में जहाँ 1000 माओं की व्यवस्था हो रही है, वहाँ एक कमरा बनवा के आप जरूर इन माओं को दीजिए, ताकि आपकी छांव में ये माएं अब बचा हुआ समय व्यतीत कर लें, गुजार लें समय। एक सामान्य कमरा बनवा सकते हैं, यहाँ संतों को अन्य क्षेत्र बढ़ता है, एक दिन का अन्य क्षेत्र अपनी ओर से जरूर करवाइए, ताकि आपके सहयोग से हजारों भूखों को भोजन मिल जाए और आपकी रोटी संत लोग खाएं, आपको भोग लगाकर भगवान जी का आशीर्वाद आप तक पहुंचाएं।
अन्न दान यहाँ रोज होता, सुबह से शाम तक यहाँ अन्न दान। आपने देखा गौरी गोपाल जी की रसोई में सुबह से शाम तक यहाँ निरंतर भोजन बढ़ता है, कोई भी आए भोजन कर ले। आप में से कितने लोगों ने देखा कि सुबह से शाम निरंतर यहाँ भोजन बढ़ता है? हजारों लोग, 10,000 लोग कम से कम भोजन करते हैं रोज। बताइए मैया, आपने सुबह से शाम तक यहाँ रसोई चलती देखी कि नहीं? भोजन बढ़ते देखा कि नहीं अपनी आंखों से? किस किस ने देखा? आप सब इसके गवाह हैं। कभी आप भी आइए, जो टीवी पर जुड़े हैं भक्तों, मैं आपसे कहता हूं कभी आप भी आएं और यहां की सेवाओं का अपनी आंखों से दर्शन करें। अभी 17 दिसंबर से भागवत जी की पोथी होगी, पोथी पाठ, भागवत जी का पाठ। तो आप भी अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने पूर्वजों के लिए एक पोथी पाठ करा सकते हैं, ताकि आपके द्वारा किए गए इस पुण्य से पूर्वजों को आत्म शांति मिले। और भागवत जी तो सबकी इच्छाएं पूरी करती हैं, तो अभी तक आपने नहीं भागवत जी की पोथी कराई तो आप भी जरूर कराइए, क्योंकि मुझे विश्वास है कि भागवत जी का हो जाने के बाद हमारे मोक्ष की, हमारे सुख की जिम्मेदारी भगवान की होती है, और भगवान के हो जाने के बाद भगवान फिर हमारा सारा कष्ट दूर करेंगे। एक बार उनका हो जाना चाहिए। आइए अब ऐसे महान दानवीर महापुरुषों का नाम श्रवण करते हैं। मैया जी अब आप यहीं रहिएगा, हाँ आनंद से रहिएगा। आइए अब ऐसे महान दानवीर महापुरुषों का नाम सुन लें जिन्होंने इन वृद्ध माओं के बारे में सोचा है। देखिए माँ के बारे में जरा विचार कीजिए, कैसे निर्दयी बच्चे हैं। मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगा इनके बच्चों को सद्बुद्धि दें, और आपको ईश्वर ने जो प्रेरणा दी। आइए अब ऐसे महान दानवीर महापुरुषों के नाम सुन लें जिन्होंने अपने हाथों को इन माओं की सेवा से जोड़ा है, धन को पवित्र किया है। श्री राधे, बड़ी ही सुंदर पावन रसमय कथा से जुड़े हुए थे। साथ ही उस माँ से, उस माँ की पीड़ा के बारे में जाना, कैसे उनके अपनों ने उन माँ को सताया, ठुकराया, और आज जब ये माँ यहाँ पहुंची है तो इस माँ को सदगुरुदेव भगवान ने अपनाया। एक बार जोरदार तालियां ऐसे पूज्य महाराष्ट्री के लिए जिन्होंने ऐसी 230 से कहीं ज्यादा माओं को अपना बनाया है, अपनाया है, और इन माओं के चरणों की सेवा में खुद को लगाया है। स्वयं तो इन माओं के चरणों की सेवा कर रहे हैं, हमको और आपको भी इसलिए जोड़ रहे हैं ताकि हम भी अपने सेवा सहयोग के हाथ आगे बढ़ाए, तो इन माओं के से आशीर्वाद ले सकें और पुण्य कमा सकें। एक बार जोरदार तालियां उन सभी दानवीर महापुरुषों की जिन्होंने आज की श्रृंखला में, आज के मंगल दिवस में अपना योगदान यहाँ तक पहुँचाया है। किसी ने माँ को गोद लिया है तो किसी ने अन्य क्षेत्र पान सेवा में अपना योगदान जोड़ते हुए यहाँ अन्य क्षेत्र की प्रसादी बंटवाई है। वास्तव में आप लोग बड़े ही सौभाग्यशाली लोग हैं जो अपने धन का सदुपयोग करते हुए श्रीधाम वृंदावन से अपने आप को जोड़ रहे हैं। आज की पावन श्रेणी में श्रीमान संजीव मेहता होशियारपुर पंजाब से आप एक माँ का सहारा बन रहे हैं, साथ ही एक दिन की संपूर्ण रसोई की सेवा का कार्यभार लेते हैं। गौ माताओं की सेवा से भी आप अपने आप को जोड़ रहे हैं, और 53,000 रुपए का योगदान आप समर्पित करें। एक बार सुंदर सी तालियां के लिए संजीव जी मेहता के लिए जिन्होंने 53,000 रुपए का योगदान दान किया है। साथ ही श्रेणी में श्रीमती प्रेम मुखीजा जी, श्रीमान संजय मुखीजा, आप फरीदाबाद हरियाणा से आश्रम के एक छत के निर्माण कार्य के लिए और अन्य क्षेत्र के लिए आप 53,101 रुपए का योगदान प्रदान कर रहे हैं। आपके लिए और आपके सहयोग के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रेणी में चंद्रावती जी, आप फूल सिंह जी, आप मुजफ्फरनगर से एक कमरे की छत के लिए आप भी 51,000 रुपए योगदान प्रदान कर रहे हैं। आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। गीता यादव जी, आप एवं उनकी संपूर्ण महिला मंडली बादरी दिल्ली से 5 वर्ग गज भूमि दान के लिए आप 51,000 रुपए प्रदान कर रहे हैं। आपके लिए और आपकी संपूर्ण महिला मंडली के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रेणी में श्रीमती निर्मल जी कालरा, आप नोएडा उत्तर प्रदेश से आप समर्पित कर रही हैं गोदान के लिए, अन्य क्षेत्र बांध सेवा के, वृक्षारोपण के लिए और बंदर सेवा के लिए 51,501 रुपए। आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ श्रेणी में सरिता रानी, आप धर्मपत्नी तरसेम के आर्या जी, आप ग्रेटर नोएडा से संत भोजन के लिए और 2 वर्ग गज भूमि दान के लिए आप 33,000 रुपए योगदान दान कर रहे हैं। आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रेणी में अनुप कुमार जी सपरिवार, आप म्यांमार से जुड़े हैं और गोदान करते हुए अन्य क्षेत्र बांध सेवा से अपने आप को जोड़ रहे हैं। 27,101 रुपए का योगदान आपके माध्यम से प्राप्त हो रहा है। आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही मंजुला जी इंद्रानी, आप सोनी, आप एक माह का सहारा बनते हुए कोंडा गांव छत्तीसगढ़ से अपना योगदान यहां तक जोड़ रहे हैं। 21,000 रुपए के रूप में आप अपना सहयोग यहां तक पहुंचा रहे हैं। आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही श्रेणी में
गुप्तदान संत सेवा के लिए हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से 20,000 रुपए के रूप में प्रदान की गई है। अपना नाम आपने गुप्त रखते हुए सेवा में अपनी भागीदारी निभाते हुए पुण्य कमाया है। आपके लिए सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश शर्मा खरगोन से आप गौ सेवा के लिए 21,000 रुपए योगदान आप प्रदान करें, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मनोहर अशोक लीला श्रीवास्तव जी आप अन्य क्षेत्र के लिए 21,000 रुपए प्रदान कर रहे हैं। अशोक कुमार जी जन्मदिवस के उपलक्ष्य में हरियाणा से 22,000 रुपए प्रदान करते हुए एक माह का सहारा भर रहे हैं और अन्य क्षेत्र वाहन सेवा में भी अपने हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। शनि में सुषमा श्रीवास्तव जी, अशोक श्रीवास्तव जी, मोहनलाल श्रीवास्तव जी, लीला श्रीवास्तव जी आप अन्य क्षेत्र के लिए 21,000 रुपए योगदान प्रदान करें, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अन्य क्षेत्र बांध सेवा से आप अपने आप को जोड़ रहे हैं। नर्मदा चंदक जी आप वासिम से समर्पित कर रहे हैं 21,000 रुपए, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक माँ को सहार आप दे रहे हैं, एक माँ को आप गोद ले रहे हैं जीवन भर के लिए। श्रीधाम वृंदावन से इन माओं के चरणों की सेवा से आप अपने आप को जोड़ते हुए पुण्य कमा रहे हैं। इसी श्रेणी में खेम सिंह जी शेखावत आप चंद्र कुमार जी सीकर राजस्थान से 11,000 रुपए योगदान प्रदान करते हुए आप एक दिन की संपूर्ण अन्य क्षेत्र बांध सेवा का कार्यभार लेते हुए अन्नदान कर रहे हैं। श्रीधाम वृंदावन से अपने आप को जोड़ते हुए पुण्य कमा रहे हैं। इसी श्रेणी में श्रीमान अरविंद जी पवार आप सीहोर से 11,000 रुपए अन्य क्षेत्र बांध सेवा के लिए, स्वर्गीय राजन प्रसाद सिंह जी के नाम से धनबाद झारखंड से 11,000 रुपए अन्य क्षेत्र बांध सेवा के लिए, नर्मदा चंदन जी वासिम से आप संतों की सेवा के लिए 11,000 रुपए, स्वर्गीय रामेश्वर प्रसाद जी राठौर के नाम से विनोद भाई जी राठौर आप जांजगीर छत्तीसगढ़ से 11,000 रुपए प्रदान करते हुए अपने आप को जोड़ रहे हैं, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रेणी में राजकली जी आप मंडी से अन्नदान के लिए 11,000 रुपए प्रदान कर रहे हैं। साथ ही सुशीला देवी जी आप 11,000 रुपए अन्य क्षेत्र बांध सेवा के लिए प्रदान कर रहे हैं, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। हिसार हरियाणा से आप जुड़ी हैं। गोपाल सिंह जी आप सोलंकी टोंक राजस्थान से 11,000 रुपए, हरप्रसाद जी डगोरिया आप इटारसी से अन्य क्षेत्र के लिए 11,000 रुपए, विशाल लाल जी मित्तल आप मोहिनी मित्तल जी गौ सेवा के लिए अन्य क्षेत्र सेवा के लिए विशाखापट्टनम से आप 12,101 रुपए योगदान प्रदान करें, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रेणी में पुत्र तपन जी के विवाह के उपलक्ष्य में एक समय की एक अन्य क्षेत्र बांध सेवा के लिए अहमदाबाद गुजरात से 11,000 योगदान प्रदान किए गए हैं, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ श्रेणी में शांता कंवर जी जोधपुर राजस्थान से अन्य क्षेत्र के लिए आप 11,000 रुपए प्रदान कर रहे हैं। सर्वोदय परिवार की ओर से नागपुर से 11,000 रुपए अन्य क्षेत्र बांध सेवा के लिए, आशीष कुमार जी आप कोलकाता पश्चिम बंगाल से 11,000 रुपए, मांगी बाजी संकला जी लोहार आप राजस्थान से 11,000 रुपए, स्वर्गीय राजन प्रसाद सिंह जी के नाम से कनान रानी जी धनबाद झारखंड से 11,000 रुपए, श्रीमान उमेश जी आप गोपाल राव जी आप डाकोले आप मन करना गोपाल राव जी डाकोले आप समर्पित करें अकोला से 11,000 रुपए अन्य क्षेत्र बांध सेवा के लिए, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रेणी में 10,000 रुपए सुशीला देवी जी आप प्रदान कर रही हैं अन्य क्षेत्र बांध सेवा के लिए, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। 5100 रुपए श्री कामदेव पंजी मोहिनी पंजी हल्द्वानी उत्तराखंड से अन्य क्षेत्र बांध सेवा के अपना योगदान समर्पित करते हुए अपने आप को जोड़ रही हैं, अन्नदान आप कर रहे हैं। वैसी श्रेणी में अलका कुमारी सासाराम बिहार से गौ सेवा के लिए बंदर सेवा के लिए 5,000 रुपए आप प्रदान कर रहे हैं। साथ ही प्रतिभा शर्मा आप गंगापुर से आप अन्य क्षेत्र के लिए 4,200 रुपए, दिनेश अश्विनी जी आप अजमेर राजस्थान से सभी सेवाओं के लिए 5,300 रुपए, देशराज जी पुष्पा देवी आप दौलतपुर हिमाचल प्रदेश से अन्य क्षेत्र के लिए 5,000 रुपए, मालदीन नेगी अपने पति के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में आप राजनगर दिल्ली से 2100 रुपए योगदान आप प्रदान करें, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही श्रेणी में सरिता रानी आप धर्मपत्नी तरसिम के आर्य आप ग्रेटर नोएडा से संत भोजन के लिए दो वर्ग गज भूमि दान के लिए 33,000 रुपए योगदान आप दान कर रहे हैं। स्वर्गीय शांति देवी के नाम से स्वर्गीय गुरुदित्ता मल जी के नाम से उनके पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में करनाल से अन्य क्षेत्र के लिए 5,100 रुपए योगदान दान किए गए हैं, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। श्याम सुंदर जी आप केसर देवी आप अकोला से एक माह का सहारा बने हैं 21,000 रुपए योगदान आप दान कर रहे हैं, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। सुमन जी मिश्रा आप जबलपुर से विशेष सहयोग का आदर बढ़ा रहे हैं। कृष्णा अधिकारी आप जबलपुर से विशेष सहयोग, डिम्बल जी गर्ग आप 2100 रुपए नई दिल्ली से, अंशिका जी कमलानगर से आगरा से विशेष सहयोग, सीमा जी महेश्वरी आप दिल्ली से 11,000 रुपए प्रदान करते हुए एक दिन की संपूर्ण सेवा का कार्यभार आप ले रहे हैं, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ श्रेणी में शिवकन्या मुंडे आप अमरावती से 5,000 रुपए अन्य क्षेत्र बांध सेवा के लिए, गीता जी आप अमरावती से विशेष सहयोग, गजानंद जी अमरावती से विशेष सहयोग, किशोर गोयल जी आप अमरावती से 2100 रुपए प्रदान करें, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रेणी में विशेष सहयोग यहाँ तक बढ़ा रहे हैं। सत्यप्रकाश जी अग्रवाल आप गाजियाबाद से, सुशीला देवी आप इलाहाबाद से विशेष सहयोग, निशु जी आप ऑस्ट्रेलिया से विशेष सहयोग यहाँ तक बढ़ा रही है, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेश श्रीवास्तव जी आप लखनऊ से 2100 रुपए आप अन्य क्षेत्र बांध सेवा के लिए प्रदान करते हुए अपने आप को जोड़ रही है। श्रीमान दीपक कुमार जी आप पानीपत से अन्य क्षेत्र के लिए विशेष सहयोग प्रदान कर रहे हैं। महावीर सिंह जी आप रेवाड़ी चंदाबाद से आप समर्पित कर रहे हैं विशेष सहयोग। ममता जी अग्रवाल आप गाजियाबाद से विशेष सहयोग, स्वर्गीय दीपक जी के नाम से बीना जी आप खानपुर दिल्ली से 11,000 रुपए अन्य क्षेत्र बांध सेवा के प्रदान करते हुए अपने आप को जोड़ रही है। एक दिन की संपूर्ण सेवा का कार्यभार आप ले रही है। इसी श्रेणी में श्रीमान ब्रह्मपाल जी बंसल आप सहारनपुर उत्तर प्रदेश से विशेष सहयोग, गोविंद ठाकुर जी आप सूरत से विशेष सहयोग, श्री रूपलाल जी आप हिमाचल प्रदेश से विशेष सहयोग के हाथ तक बुला रहे हैं, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रेणी में
स्वर्गीय अविनाश जी दुबे की स्मृति में फरुख का बात से 2001 रुपए के योगदान प्रदान किए गए अनिच्छेद 5 दुबे के लिए। और इसी श्रेणी में सीता देवी आप रामपुर छावनी से अनिच्छेद के लिए विशेष हैं। मोहन प्रसाद जी आप नगरा उत्तर प्रदेश से आप विशेष सहयोग के अंतर्गत बुला रहे हैं। खेदू राम साहू जी आप समानी साहू जी आप बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से विशेष हैं। शेर सिंह ठाकुर जी आप दुर्ग छत्तीसगढ़ से विशेष हैं। सविता यादव जी आप जमुना यादव जी आप छत्तीसगढ़ से विशेष हैं। उषा यादव जी आप लड्डू गोपाल जी आप समर्पित कर रहे हैं छत्तीसगढ़ से विशेष हैं। आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही इसी श्रेणी में श्याम सुंदर कृष्ण देवी आप अकोला से एक माह का सहारा बनते हुए 21,000 रुपए का योगदान आप प्रदान कर रहे हैं। आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान सीताराम जी आप बरेली से अनुच्छेद के लिए आप विशेष सहयोग के आते बुला रहे हैं। संगीता कक्कड़ आप सौरभ जी कक्कड़ आप फिरोजपुर से 2100 रुपए अनुच्छेद बांध सेवा के लिए। रागनी शर्मा जी आप दिल्ली से 2100 रुपए आप अनुच्छेद बांध सेवा के लिए। राहुल जी आप विशेष सहयोग के आते बुला रहे हैं दिल्ली से। गुप्तदान फतेहाबाद से 2100 रुपए के रूप में प्रदान किए गए हैं। आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। रजनी जी आप समर्पित करें आगरा से विशेष सहयोग। उषा रानी आप फतेहाबाद से आप विशेष सहयोग के आते बुला रही है। आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही श्रेणी में रेणुका चौरसिया आप कृष्णा चौरसिया आप सिद्धार्थ नगर से बक्सरबंड के लिए विशेष है। अमृत राजी द्विवेदी आप चित्रकूट से अनुच्छेद के लिए विशेष है। मूर्ति देवी आप दिल्ली वजीराबाद से आप 11,000 रुपए प्रदान करते हुए एक दिन की संपूर्ण सेवा का कार्यभार आप ले रहे हैं। श्रीमान जितेंद्र जी आप विदिशा से मध्य प्रदेश से विशेष है। रेणु गुप्ता जी आप मंडी डब्बाली हरियाणा से आप अनुच्छेद के लिए विशेष है। मंजू वर्मा जी आप मेरठ से अनुच्छेद के लिए गौ माता की सेवा के लिए 3,200 रुपए। सुशील वर्मा जी आप मेरठ से अनुच्छेद के लिए आप विशेष सहयोग के आते बुला रहे हैं। कुसुम वर्मा जी आप मेरठ से विशेष सहयोग के आते बुला रहे हैं। कमला जी प्रमोद कुमार जी आप एक माह का सार बनते हुए 21,000 रुपए का योगदान आप प्रदान कर रहे हैं। आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। कोचिंग जी आप समर्पित कर रहे हैं 21,000 रुपए आप मुजफ्फरनगर से हैं और एक माह का सहारा बन रहे हैं। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रेणी में विमले जी राजेंद्र कुमार जी पाल अभी मुजफ्फरनगर से 11,000 रुपए प्रदान करते हुए एक दिन के संपूर्ण अनुच्छेद पान सेवा का कार्यभार आप ले रहे हैं। आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। सारे श्रेणी में श्री राम हरिओम जी गंगा जी आप 51,000 रुपए अनुच्छेद बांध सेवा के लिए। चंद्रावती जी आप सपरिवार 11,000 रुपए अनुच्छेद बांध सेवा के लिए प्रदान करते हो एक दिन की संपूर्ण अनुच्छेद बांध सेवा का कार्यभार आप ले रहे हैं। मीनू शर्मा जी आप मुरादाबाद से विशेष हैं। कुसुम रामेश्वर शर्मा आप उज्जैन से आप विशेष सेवा के अंतर्गत बुला रहे हैं। पहला जी सक्सेना आप टनकपुर से विशेष है। जानकी रानी आप फरीदाबाद से विशेष सेवा प्रदान कर रही है। बारीलाल जी आप विश्वकर्मा गोरिया से समर्पित करें छतरपुर से आप विशेष है। समालाल जी भीकाबाई जी आप जलगांव से आप विशेष सेवा के अंतर्गत बुला रहे हैं। आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रेणी में के एल गुप्ता जी आप 2100 रुपए अलीगढ़ से प्रदान करें अनुच्छेद बांध सेवा के लिए। सत्येंद्र जी मित्तल आप अलीगढ़ से विशेष हैं। अनिल जी शर्मा आप सीकर राजस्थान से विशेष सहयोग के आधार बढ़ा रहे हैं। तेत्री देवी आप बरेली से 2100 रुपए। जयसिंह जी आप मोहनलाल जी हिसार से एक माह का सहारा आप बन रहे हैं। 21,000 रुपए का योगदान प्रदान करते हुए आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना योगदान तो प्रदान किया है, एक माह को भी सहारा दिया है। ऐसे धर्मपुत्रों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वर्गीय लीलावती जी के नाम से हिसार से 27,301 रुपए का योगदान प्रदान किए गए हैं माओ की सेवा के लिए और अन्य क्षेत्र बांध सेवा के लिए। आपने भी उनके नाम से स्वर्गीय लीलावती जी के नाम से एक माह को गोद लेकर के यह दिव्यतम पुण्यतम कार्य किया है। आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। सारी श्रेणी में सीमान राकेश जी गोयल आप गांधीधाम से आप 2100 रुपए। रोहित जी आप मल्होत्रा गाजियाबाद से विशेष है। कुसुम जी मल्होत्रा आप गाजियाबाद से विशेष है। मोरैला जी गुप्ता भरतपुर राजस्थान से विशेष है। सरला देवी आप गोयल ज्वेलर्स बल्लभगढ़ से 11,000 रुपए अन्य क्षेत्र बांध सेवा के प्रदान करते हो एक दिन की सेवा का कार्यभार आप ले रहे हैं। श्याम जी पोरवाल आप उड़िया से विशेष है। संजय पोरवाल जी आप उड़िया से विशेष है। अजय शर्मा जी आप कानपुर से विशेष है। सरोज देवी आप मथुरा से 11,000 रुपए प्रदान करते हुए आप भी एक दिन की संपूर्ण अन्य क्षेत्र बांध सेवा में अनुदान करते हुए अपने आप को जोड़ रहे हैं। कमल शर्मा जी आप सोनिया शर्मा आप शादी की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में जयपुर राजस्थान से आप अन्य क्षेत्र के लिए समर्पित करें 21,000 रुपए। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुप्तदान आगरा से विशेष सहयोग प्रदान किया गया है। और इसी श्रेणी में रानी ओम प्रकाश जी चौरसिया कानपुर से आप एक गौ माता के दान के लिए आजीवन सेवा के लिए 25,000 रुपए योगदान प्रदान करते हुए इन गौ माताओं की सेवा से अपने आप को जोड़ रही है। आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही श्रेणी में अनिल जी माहेश्वरी आप दिल्ली से अन्य क्षेत्र बांध सेवा के लिए आप विशेष सहयोग के हाथ बढ़ा रहे हैं। आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही इसी श्रेणी में शकुंतला जी आप बिलासपुर छत्तीसगढ़ से विशेष है। राजेश वर्मा आप कानपुर से विशेष है। लीलावती जी आप समालखा पानीपत से 21 रुपए। सीमान जी आप अलीगढ़ से विशेष है। गुप्तान अंबाला से विशेष है के रूप में प्रदान किया गया है। विश्वनाथ जी आप बोर्ड के अकोला से आप अन्य क्षेत्र के लिए विशेष है। रतन राम जी आप समर्पित कर रहे हैं अकोला से विशेष है। किरण देवी आप माधोपुर बिहार से विशेष सहयोग प्रदान कर रहे हैं। स्वर्गीय करतार सिंह जी की स्मृति में दिल्ली से विशेष सहयोग के आते बढ़ाए गए अनुच्छेद बांध सेवा के लिए। ठाकुर जी आप मथुरा से प्रदान कर रहे हैं विशेष है। सावित्री जी आप आगरा से आप विशेष सहयोग के आते बढ़ा रही है। अवंतिका जी आप समर्पित कर रही है हिसार हरियाणा से 11,000 रुपए। आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। अविनिका जी कश्यप आप दमोह से 51,000 रुपए अनुच्छेद बांध सेवा के लिए। पवन कुमार जी आप एडवोकेट सीकर राजस्थान से आप 21,000 रुपए योगदान प्रदान करते हुए अनुच्छेद बांध सेवा में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। सारी श्रेणी में श्रीमान जय नंदन जी गुप्ता आप बरेली से 51,000 रुपए आप अन्य क्षेत्र बांध सेवा के प्रदान कर रहे हैं। श्रीमती बबली जी आप दिल्ली से अन्य क्षेत्र के लिए आप 18,000 रुपए योगदान प्रदान कर रहे हैं। आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रेणी में शीलाबंदी जी आप दिल्ली से आप विशेष सहयोग के बुला रहे हैं। और इसी श्रेणी में नीलम जी विशेष सहयोग के बुलाते हुए अन्य क्षेत्र बांध सेवा से गौ माता की सेवा से अपने आप को जोड़ रही है। आपके लिए भी धन्यवाद। साथ ही श्रेणी में
जय भगवान जी गोस्वामी। आप उनकी माता गायत्री जी आप मथुरा से 5,000 रुपया नक्षत्र भाव सेवा के लिए, सरोज देवी आप भानुभद्र सिंह जी आप समर्पित कर रहे हैं, सरोज देवी जी सोनभद्र उत्तर प्रदेश से विशेष है, नीरज जी हरियाणा से आप विशेष है, नवरत्न जी आप जयपुर राजस्थान से विशेष है, गुप्ता पंजाब से विशेष है, दुर्गा साहू जी आप अमरगढ़ से छत्तीसगढ़ से विशेष है, बांकी बिहारी जी के नाम से रोहतक से 51 रुपये योगदान अनक्षत्र भाव सेवा के लिए प्रदान किए गए हैं, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। साई चरणी में पवन कुमार जी श्रीमती प्रकाश रानी आप समर्पित कर रहे हैं, शाजापुर से विशेष है, रमेश कुमार यादव जी आप लखीमपुर खीरी से विशेष है, रामलखन जी आप सिया भती जी आप देहरादून उत्तराखंड से 11,000 रुपए अन्य क्षेत्र बांध सेवा के लिए आप प्रदान कर रही हैं, अपने आप को जोड़ रही हैं, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रेणी में हरिदास जी आप झांसी से 2,500 रुपए प्रदान कर रहे हैं, पुष्पा नंदा जी आप पानीपत से विशेष है, राजेश भती जी आप फिरोजाबाद से विशेष है, अंशुमन जी आप उत्तम नगर दिल्ली से विशेष है, गायत्री जी आप बरेली से विशेष है प्रदान कर रही है, जितेंद्र जी आप बरेली से विशेष है, विश्वनाथ राय जी आप सुनीति राय जी आप विशेष है यहाँ तक बढ़ा रहे हैं, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। सारी श्रेणी में रतन राम जी कबोरे आप विशेष सेवक यहाँ तक बुला रहे हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीर देवी आप तारागढ़ी पंजाब से अन्य क्षेत्र के लिए 3,100 रुपए विशेष सहयोग प्रदान के रूप में, दिल्ली से अन्य क्षेत्र बांध सेवा के लिए प्रदान किए गए हैं, राहुल जी आप मुजफ्फरनगर से विशेष सहयोग यहाँ तक बुला रहे हैं, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। सारी श्रेणी में काव्या केसरी आप दिल्ली से विशेष है, कमल कुमार जी आप दिल्ली से विशेष है, सतवीर जिंदल आप दिल्ली से 11,000 रुपए अन्य क्षेत्र बांध सेवा के लिए प्रदान करते हुए अपने आप को जोड़ रहे हैं, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। सारी श्रेणी में तारीफ सिंह जी आप दिल्ली से अन्य क्षेत्र के लिए 11,000 रुपए प्रदान करते हुए, एक दिन की संपूर्ण सेवा का कार्यभार आप ले रहे हैं, सविता जी आप भी 11,000 रुपए हैं, बासापुर गुड़गांव से प्रदान करते हुए अपने आप को जोड़ रही हैं, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील जी आप कमलेश जी आप दिल्ली से बादली से अन्य क्षेत्र के लिए गौ माताओं की सेवा के लिए 12,101 रुपए आप प्रदान कर रहे हैं। इसी श्रेणी में श्रीमती माया जी आप कमर दी नगर से समर्पित कर रहे हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद 11,000 रुपए अन्य क्षेत्र बांध सेवा के लिए। अनुप जी आप खटुआ से उत्तराखंड से विशेष है, गुप्तान मुरादाबाद से 2,501 रुपए के रूप में प्रदान किए गए हैं, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। स्वर्गीय अमित सक्सेना जी के नाम से उनकी पत्नी निहारिका जी आप नोएडा से वृक्षारोपण के लिए विशेष सहयोग यहाँ तक बढ़ा रही है, साथ ही कमर जी गोपाल आप पलवल से अन्य क्षेत्र के लिए विशेष है, गिरिराज प्रसाद जी गुप्ता अलवर राजस्थान से 11,000 रुपए आप अन्य क्षेत्र बांध सेवा के लिए प्रदान कर रहे हैं, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रेणी में श्रीमती त्रिवेणी यादव जी आप बादली दिल्ली से एक माह का सहारा बनते हुए 21,000 रुपए 25,000 रुपए गोदान के लिए, गौ माताओं की सेवा के लिए गोदान के लिए, इसी श्रेणी में 5,501 रुपए आप वृक्षारोपण के लिए प्रदान कर रही हैं, 51,501 रुपए का योगदान आपके माध्यम से प्राप्त हो रहा है। श्रीमती त्रिवेणी यादव जी आप बादली दिल्ली से आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। ललित जी आप गोयंका अहमदाबाद से आप गोदान के लिए 25,000 रुपए का योगदान आप प्रदान कर रहे हैं, ललित जी गोयंका साथ ही 21,000 रुपए का योगदान प्रदान करते हुए आप अन्य क्षेत्र बांध सेवा में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। सीता देवी आप खेतान जयपुर राजस्थान से सभी सेवाओं के लिए आप 49,000 रुपए का योगदान प्रदान करते हुए सभी सेवाओं में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं, सभी सेवाओं से अपने आप को जोड़ते हुए पुण्य कमा रहे हैं, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रेणी में सरोज जी आप रामवती जी आप चौकीलाल हाथरस से अन्य क्षेत्र के लिए 11,000 रुपए प्रदान करते हुए, एक दिन की संपूर्ण सेवा का कार्यभार आप ले रहे हैं, रामवती जी आप चौकीलाल विशेष सेवक यहां तक बढ़ा रहे हैं, सुबह मोतीलाल जी आप पाली राजस्थान से विशेष सेवक, मंजू जी शाह आप सतना से विशेष सेवक यहां तक बढ़ा रहे हैं, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। सारी श्रेणी में सीमा सतीश राम जी आप अकोला से विशेष है, पुरुषोत्तम जी आप अकोला से विशेष है, तारामणि बिंदल आप मुंबई से 16,000 रुपए आप अनुच्छेद बांध सेवा के प्रदान करते हुए अपने आप को जोड़ रहे हैं, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभिनिका कश्यप जी आप दमोह से 21 रुपए, संजय कुमार जी आप बागपत से 21 रुपए, दर्शन कुमार जी फरीदाबाद से विशेष है, दीपक जी कटियार आप दिल्ली से विशेष है, गुप्तदान 21 रुपए दिल्ली से प्रदान किए गए हैं अनुच्छेद बांध सेवा के लिए, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। अमरेश जी आप करनाल से विशेष है, अनिता जी आप दमोह से विशेष है, रामचंद्र जी आप उड़ीसा से विशेष है, यहां तक बढ़ा रहे हैं, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। श्रेणी में स्वर्गीय पुत्र लक्ष्मण जी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में उनके पिता भगवान दास जी के द्वारा गढ़वाल उत्तराखंड से 21 रुपए योगदान अन्य क्षेत्र बांध सेवा के लिए प्रदान किए गए हैं, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। पीयूष सैनी आप जयपुर राजस्थान से विशेष सेवक यहां तक बढ़ा रहे हैं, मीनमा पप्पू भाई जी आप बाबले भाई जी गुजरात से विशेष है, निश्चय यादव जी आप जे आर यादव जी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से जन्मदिवस के उपलक्ष्य में आप 21 रुपए अन्य क्षेत्र बांध सेवा के लिए प्रदान करते हुए अपने आप को जोड़ रहे हैं, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही श्रेणी में श्रीमान कमल कुमार जी शुक्ला आप प्रयागराज से विशेष है, दरोगा चौधरी आप दिल्ली से 21 रुपए, माया देवी हरिचंद जी आप देहरादून उत्तराखंड से विशेष है, बीना कुमारी स्वर्गीय रंजीत सिंह जी के नाम से जम्मू कश्मीर से विशेष है, सुरेंद्र शर्मा परमेश्वर शर्मा समितपुर बिहार से विशेष है, मदन लाल जी और सीता बाजी नेमा बुद्धि राजस्थान से विशेष है, रोशन जी आप अन्य क्षेत्र के लिए विशेष है, ऊषा रावत जी आप अंबाला से विशेष है, पूनम जी रायपुर छत्तीसगढ़ से अन्य क्षेत्र के 3,000 रुपए, इंद्रजीत सिंह जी आप दुर्ग छत्तीसगढ़ से विशेष है, बीटो देवी आप लखीमपुर खीरी से विशेष है, सुनीता काना राठौर जी आप रायगढ़ छत्तीसगढ़ से 21 रुपए, संतराम बामन राव जी आप मंगला राव जी आप विशेष है, हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रेणी में होशंगाबाद मध्य प्रदेश से शैलेंद्र द्विवेदी जी आप विशेष सेवक यहाँ तक बुला रही हैं, ओम प्रकाश जी साहू आप राजनांद गांव छत्तीसगढ़ से गौ माताओं की सेवा के लिए 21 रुपए, सुशीला देवी आप साहिबगंज झारखंड से 21 रुपए, चंद्रकला जी हिम से नागपुर से आप विशेष सेवक, शालिनी लक्ष्मीकांत जी पाटिल आप समर्पित करें सोलापुर से विशेष सेवक, जितेंद्र जी आप रायपुर छत्तीसगढ़ से विशेष सेवक यहाँ तक बुला रहे हैं, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। सारी श्रेणी में
रामचिलास सिंह जी बक्सर बिहार से अनुक्षेत्र पान सेवा के लिए विशेष संघ के हाथ आगे बढ़ाते हुए अपने आप को जोड़ रहे हैं। आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। 3000 रुपए रामचिलास सिंह जी बक्सर बिहार से अनुक्षेत्र पान सेवा के लिए। रामेश्वर देवी आप स्वर्गीय हैं, बंसी राम जी के नाम से बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हैं। आप स्वर्ग करें बिलासपुर हिमाचल प्रदेश से 3101 रुपए। आपके लिए भी धन्यवाद। बीवी देवी श्री राम कुमार जी, माया कुमारी जी आप विशेष हैं। मुकेश कुमार जी, केसी सोनी जी आप देवगढ़ से आप विशेष हैं। उर्मिला धारीवाल जी आप प्रतीक जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में कोटा राजस्थान से विशेष संघ के हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रेणी में सीमा अमित कुमार जी जलंधर पंजाब से विशेषक, सोनू खुराना आप चंडीगढ़ से किशोर भे, भरत सिंह जी आप गढ़वाल उत्तराखंड से विशेष हैं, राजेंद्र विश्वकर्मा आप महाराजगंज से 2501 रुपए का योगदान आप प्रदान करें। आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। रश्मि भारद्वाज जी गाजियाबाद से अनुच्छेद के लिए किशोर भे, लक्ष्मण जी आप यादव उड़ीसा से किशोर भे, कल्याणी दिवंगन रायपुर छत्तीसगढ़ से गौ माता की सेवा के लिए आप 21 रुपए प्रदान करें। आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही जितने भी दानवी महापुरुषों ने, मेरे प्यारे भाई बहनों ने सेवा सहयोग के हाथ आगे बढ़ाते हुए सेवाओं में अपनी भागीदारी निभाई है और अपने आप को सीधा वृंदावन से इन पावन सेवाओं से जोड़ा है, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां ऐसे सभी दानवी महापुरुषों की जिन्होंने अपने सेवा सहयोग के हाथ आगे बढ़ाए हैं। आइए यही निवेदन मेरा आपसे भी है, जितने भी भक्तगण मेरे प्यारे भाई बहन यहाँ कथा प्रांगण में उपस्थित होकर के पावन मधुरमय रसमय कथा से जुड़े हुए हैं, कथा का श्रवण पान कर रहे हैं, आप भी अगर अपने सेवा सहयोग के हाथ आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, सेवा में अपनी भागीदारी निभाते हुए पुण्य कमाना चाह रहे हैं, तो आप भी अपने सेवा सहयोग के हाथ आगे बढ़ाएं और इन सेवाओं में भागीदारी निभाते हुए आप भी पुण्य कमाएं, जहां ये दानवीर महापुरुष लोग अपने धन को धर्म से जोड़ रहे हैं। आप भी एक माँ का सहारा बन सकते हैं मात्र 21 द्रव्य योगदान से। आइए, ईश्वर ने सब कुछ आपको दिया है, वो भाव भी आप प्रकट करें जो भाव आप दिल में उमड़ रहा है और एक माँ का सहारा बनने का संकल्प लें। मात्र किस द्रव्य योगदान से आप एक माँ का सहारा बन जाते हैं, वहीं आप हमारे परिवार से भी जुड़ जाते हैं। इसी के साथ में गौरी गोपाल अनुक्षेत्र पान सेवा से आप अपने आप को जोड़ सकते हैं और मात्र 11000 योगदान से आप एक दिन की संपूर्ण अनुक्षेत्र पान सेवा का कार्यभार ले सकते हैं। इसी के साथ में सुंदर सी पावन सी रसोई श्रीधाम वृंदावन में अविरल चल रही है, आप भी मात्र 31000 योगदान से आप हजारों लोगों को दिव्य रसोई के माध्यम से प्रसादी बवाते हुए पुण्य के भागीदार बन सकते हैं और आप पुण्य कमा सकते हैं। इसी के साथ में श्रीधाम वृंदावन संत निवास का कार्य प्रारंभ होने जा रहा है, तो आप भी अपने भाव और सामर्थ्य के अनुसार 1 गज 2 गज 5 गज 11 गज जितना भाव सामर्थ्य रखते हैं भूमिदान के इस महायोगदान में अपना छोटा योगदान जरूर जोड़ें। इसी के साथ में वृक्षारोपण की महान सेवा से जुड़कर आप वृक्षारोपण करवा सकते हैं श्रीधाम वृंदावन में और इसी के साथ में सुंदर सी गौशाला से जुड़कर गौदान आप कर सकते हैं। एक दिन के संपूर्ण इन गौ माताओं की सेवा का कार्यभार आप ले सकते हैं अथवा इन गौ माताओं के लिए हरा चारा भूसा गोड़खली चोकर आदि व्यवस्था कराते हुए गौ भक्तों में अपना नाम लिखा सकते हैं। इसी के साथ में आप देख रहे हैं जो आश्रम माओं के लिए बनवाया गया है तो वह अब भर चुका है, क्योंकि कोई ना कोई माँ यहाँ एक उम्मीद के साथ में हर रोज आ रही है और यही वो उम्मीद है जो हमको और आपको इन माओं के चरणों की सेवा से जोड़ती है। आइए, इन माओं की उम्मीदों पर हम खरा उतरें। इन माओं को धन दौलत नहीं चाहिए, बस आपका सहयोग और प्यार चाहिए। सेवा सहयोग के हाथ आगे बढ़ाएं, इन माओं के चरणों की सेवा से जुड़ जाएं। माओं के लिए जो आश्रम बनने जा रहा है उसमें अगर आप सामर्थ्यवान है तो एक कमरा मात्र 5 लाख रुपए के योगदान से इन माओं के लिए बनवाकर समर्पित कर सकते हैं और आप उन्हें कमा सकते हैं। अगर ये नहीं बनवा पाते हैं कोई बात नहीं, आप एक साधारण कमरा मात्र 3 लाख रुपए के योगदान से बनवा तो इन माओं को समर्पित कर सकते हैं और आप उन्हें कमा सकते हैं। इसी के साथ में मात्र 51000 रुपए योगदान से आप एक छत इन माओं के लिए ढलवाते हुए एक कवरी का निर्माण कार्य करा सकते हैं और इन माओं की सेवा से आप अपने आप को जोड़ सकते हैं। इसी के साथ में जो भी सेवा यहाँ नित्य प्रति आप देख रहे हैं वो सेवाएं हर रोज यहाँ होती है, आप अपने भाव के अनुसार किसी भी सेवा से अपने आप को जोड़ सकते हैं अथवा सभी सेवा में अपनी भागीदारी निभाते हुए आप उन्हें कमा सकते हैं। सेवाएं निरंतर चल रही है, बस आपके सहयोग और प्रेम की आवश्यकता है। अपने सेवा सहयोग के हाथ आगे बढ़ाएं, सेवा में जुड़ते हुए पुण्य कमाएं। जो भक्तगण यहाँ बैठे हैं उनके लिए पीछे कार्यालय लगा है, वहां जाकर अपना सुंदर सा नाम लिखा सकते हैं और जितने भी भगवान मेरे प्यारे भाई बहन घर बैठे इन सुंदर सी सेवाओं के हर रोज दर्शन करते हैं, अपने आप को सीधा वृंदावन से जोड़ते हैं, उनके लिए टीवी चैनल के माध्यम से लगातार खाता संख्या फोन नंबर प्रसारित किया जा रहा है ताकि वहां से नोट कर सके और अपने आप को जोड़ सके। आइए, सुंदर सी सेवा की गंगा हमारे घर तक आ पहुंची है, अब हमें इस सेवा की गंगा से जोड़ने की आवश्यकता है। सेवा की गंगा से आप अपने आप को जोड़ सकते हैं और जो भी आप दान राशि यहाँ तक पहुंचाते हैं वह अब ATG के तहत आयकर मुक्त है। अगर आप छूट प्राप्त करना चाहते हैं तो जो खाता संख्या टीवी स्क्रीन के माध्यम से दिखाया जा रहा है आप उसमें अपनी धनराशि समर्पित करें और आम छूट प्राप्त करें। इसी के साथ में यहां निरंतर पोथी पाठ चल रहे हैं, अनेकों अनेक यजमान परिवार अपनी अनेकों अनेक मंगल कामनाओं के साथ में श्रीधाम वृंदावन से जुड़ रहे हैं। एक बार पुनः 17 दिसंबर से यहां पोथी पाठ बैठने जा रहे हैं। जितने भी मेरे प्यारे भाई बहन श्रीधाम वृंदावन से जुड़ना चाह रहे हैं, पोथी पाठ यजमान बनना चाह रहे हैं, अपनी मंगल कामनाओं की पूर्ति श्रीधाम वृंदावन में करवाना चाह रहे हैं, तो वो लोग 17 दिसंबर से एक बार पोथी पाठ में संकल्प लेते हुए श्रीधाम वृंदावन से अपने आप को जरूर जोड़ें। आई सत्य पावन कथा की ओर एक बार पुनः दोनों हाथ उठाकर बड़े ही भाव से मेरे साथ बोलेंगे राधे राधे। बोलिए भागवत भगवान की जय।
तीन पग भूमि में भगवान ने राजा बलि के यहाँ, दो पग में सब नाप कर तीसरा पग राजा बलि के मस्तक पर रखा। राजा बलि को पाताल का राजा बनाया भगवान ने। आगामी मनवंत्र में उन्हें इंद्र बनाएंगे। एक बार भगवान ने मछली का अवतार धारण किया था हयग्रीव नाम के दैत्य को मारने के लिए। अब मैं सूर्यवंशी का वर्णन करता हूं। भगवान राम का जन्म, भगवान नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा जी के मरीचि, मरीचि से कश्यप, इन्हीं के वंश में आगे चल के राजा नभग, नभग के नाभाग, नाभाग के अम्बरीश, अम्बरीश हुए जिनके यहां भगवान ने उनकी रक्षा की और अम्बरीश ने एकादशी का व्रत किया, उसकी महिमा बढ़ाई है। एक बार अम्बरीश जी एकादशी का व्रत कर रहे थे, दुर्वासा जी आ गए तो उन्होंने द्वादशी को पारण किया, जल पी लिया। दुर्वासा जी ने कहा, हमें भोजन कराए बिना आपने भोजन कर लिया? ये स्नान करने चले गए थे, त्रयोदशी लगने वाली थी, पारण करना था। एक बाल उखाड़कर फेंक दिया, कृत्या प्रकट हुई और वो अम्बरीश को मारने चली। अम्बरीश की रक्षा सुदर्शन भगवान ने की। कुल मिला के अहम भक्त पराधीना यस्वतंत्री वद्वजा। भगवान कहते हैं, जो मेरी भक्ति करता है मैं उस भक्त के पीछे पीछे चलता हूं, उसका कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता। राजा बलि, भगवान ने अम्बरीश पर कृपा की, दुर्वासा जी का अहंकार नष्ट किया। इसके बाद इन्हीं के वंश में राजा सगर हुए जिनके 60,000 पुत्र हुए। फिर इन्हीं के वंश में भगीरथ हुए जिन्होंने गंगा को प्रकट किया। बोलिए गंगा मैया की जय। गंगा मैया ने दर्शन दिया और उद्धार हुआ उनके जल से। सूर्य वंश में खटवांग के पुत्र, फिर दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के रघु, रघु के आज आज के दशरथ जी। दशरथ जी का बुढ़ापा आ गया, कोई संतान नहीं थी, तब दशरथ जी ने गुरु जी से यज्ञ करवाया और यज्ञ में यज्ञ भगवान ने प्रकट होकर खीर दी और दशरथ जी ने खीर खाई, तीनों रानियां गर्भवती हो गईं। दशरथ जी की कितनी रानियां? कौन कौन? कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। चार बच्चे हुए राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, चारों का उत्सव मनाया। चैत्र का महीना शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न पैदा हुए 12 बजे दिन को। जब राम जी बड़े हुए तो राम जी को लेने विश्वामित्र जी आए। राम जी को लेकर विश्वामित्र जी चले। विश्वामित्र जी ने भगवान राम को खूब अस्त्र शस्त्र प्रदान किए और गौतम नारी श्रापवश उपल दे है धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। अहिल्या का उद्धार भगवान के चरणों की रज ने किया। अहिल्या को तारा, जिनके चरणों की धूली पत्थर को भी तार सकती है, वो भक्ति करने वाला भक्त, क्या उनकी भक्ति, क्या उनका नाम, क्या हमें नहीं तारेंगे? इस विश्वास से नाम जपो। राम जी जनकपुर गए और वहां राम जी का विवाह हुआ। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, चारों का विवाह संपन्न हुआ। राम जी का किन से विवाह हुआ? मैया, मैया बताओ, राम जी का विवाह किन से हुआ? और भरत जी का? मांडवी। शत्रुघ्न जी का? श्रुत कीर्ति। लक्ष्मण जी की पत्नी का नाम? मैया। आप बताओ, मैया बताएंगे, मैया लक्ष्मण जी की पत्नी का नाम क्या है? हा? वो भी नकल करके बता दिया आपने। उर्मिला। लक्ष्मण जी की पत्नी कौन? लक्ष्मण जी जब राम जी दुल्हा बने तो सबसे बढ़िया कौन, चारों दुल्हा में सबसे बढ़िया कौन?
हाँ चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया हो आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया दोनों हाथ उठाइए जरा मस्ती के साथ आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया हो आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया आज मिथिला की नगरी निहाल है आनंद से भरी है क्यों हो आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया बिहार में जब भी आज किसी बेटी और बेटे का विवाह होता है ना तो विवाह में यह गीत जरूर गाया जाता है ये बिहार में आज भी है हो आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया हो चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया ओ चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया कजरारी जुलमी नयनवा काली काली कजरारी जुलमी नयनवा लाल लाल चंदन सोहे भाल सखिया लाल लाल चंदन सोहे भाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया
मगन धरतिया, मगन मगन आज मगन धरतिया, देख देख दूल्हा के सावल सूरतिया, देख देख दूल्हा की सावरी सूरतिया, प्रथ नर नारी सब बेहाल सखिया, बाल प्रथ नर नारी सब बेहाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया, ओ चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, हो आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल 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 सखिया, हो चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया, माथे मणि मोरिया, माथे पे मणि लगी है, कुंडल सोहे कन मा, कानों में कुंडल, काली काली कजरारी जुलमी नयनवा, काली काली कजरारी जुलमी नयनवा, लाल लाल चंदन सोहे भाल सखिया, लाल 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 चंदन सोहे भाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। ये भोजपुरी गीत है, बिहार में लगभग सबके विवाह में, लड़का लड़की के विवाह में ये गीत लगभग गाया ही जाता है, पहले की तो परंपरा यही थी, अब राम जाने क्या है, अभी भी गाते हैं। गगन मगन आज मगन धरतिया, आज धरती भी मगन है, गगन मगन गगन वहीं से आकाश भी मगन, और गगन मगन आज है ना, मगन धरतिया, देख देख दूल्हा के सावल सुरतिया, देख देख दूल्हा के सावरी सुरतिया, बाल व्रत नर नारी कैसे हैं, ओ बाल व्रत नर नारी सब बेहाल सखिया, बाल मीन्स बच्चे, व्रत मीन्स बड़े, नर नारी सब, हो बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया, चित्रकूट के घाट घाट पर सबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ, चित्रकूट के घाट घाट पर सवेरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ,
कहां मैं बिठाऊं अपने राम जी को कहां मैं बिठाऊं अपने राम जी को कहां मैं बिठाऊं अपने राम जी को कहां मैं बिठाऊं टूटा फूटा है ये खाट खाट पर बिछा पुराना ठाट राम मेरे आ जाओ राम मेरे आ जाओ राम मेरे आ जाओ राम मेरे आ जाओ चित्रकूट के घाट घाट पर सबरी देखे बाट राम मेरे आ जाओ राम मेरे आ जाओ राम मेरे आ जाओ राम मेरे आ अपने राम जी को क्या मैं खिलाऊं अपने राम जी को क्या मैं खिलाऊं छोटे छोटे पेड़ पे बेर लगे हैं सुंदर सुंदर बेर राम मेरे आ जाओ राम मेरे आ जाओ राम मेरे आ जाओ राम मेरे आ जाओ चित्रकूट के घाट घाट में सबरी गई थे बाट राम मेरे आ जाओ राम मेरे आ जाओ राम मेरे आ जाओ राम मेरे आ जाओ राम जी का जन्म हुआ विवाह हुआ विदाई हुई राम जी राजा बनने जा रहे हैं तैयारी हो गई वनवास की कैकेयी ने वनवास का षड्यंत्र रच दिया चित्त जब राम जी वनवास चले तो राम जी पहली रात श्रृंग वीरपुर दूसरी रात तमसा नदी पहले श्रृंग वीरपुर दूसरा फिर केवट से नाव मांगी केवट जरा नाव लाओ और राम जी नाव पर बैठे केवट नाव चला रहा है नाव डगमग डगमग डोली राम जी बोले धीरे धीरे चला भैया तैरना नहीं आता केवट बोला मेरा हाथ पकड़ लो प्रभु केवट तुम क्यों नहीं पकड़ते राम जी का हाथ केवट बोला मैंने राम जी को पकड़ लिया तो शायद मैं कभी राम जी को छोड़ दूं लेकिन राम जी ने जिन्हें पकड़ लिया वो कभी नहीं छोड़ेंगे इसलिए मैं आपका हाथ नहीं पकड़ता आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए उतर के खड़े हुए पार उतराई केवट ने अंगूठी दी राम जी ने अंगूठी केवट को दी केवट बोला सरकार मैं आपसे कुछ नहीं लेता आप मेरे घाट आए तो मैंने आपको पार लगाया मरकर जब मैं आपके घाट आ जाऊं तो भवसागर से आप पार लगा देना यही उत्तर आई है मुझे और कुछ ना चाहिए भरत जी मिलने आए देखो भाई का प्रेम कैसा होना चाहिए रामचरितमानस में भरत जी का ये प्रसंग है खड़ाऊं लेकर गए राम जी आगे चले रावण को सीता माँ को पंचवटी से लेकर चला गया रावण ने सबको जीत लिया था मैया देवताओं को दिक्पालों को यक्षों को गंधर्वों को सबको जीत लिया नाग लोग स्वर्ग लोग सबको जीत लिया हार गया तो केवल अपनी वासनाओं से अपने काम से हार गया और वासनाओं के चक्र में माता सीता को उठाकर ले गया और वही उसके सर्वनाश का कारण बना सबको जीत लिया पर अपनी कामनाओं को ना जीत सका इच्छाओं को ना जीत सका इसलिए कहते हैं कामनाएं तो रावण जैसों की पूरी ना हो सकी जिनकी लंका सोने की थी हमारी और आपकी कामनाएं क्या पूरी होंगी इसलिए कामनाओं के हिसाब से जीवन ना जियो जरूरत पूरी कर लो और भजन में लग जाओ भगवान के यही जीवन का सार है राम जी ने रावण को मारा हनुमान जी लंका गए इत्यादि कथा पूरी राम कथा बड़ी अद्भुत बड़ी विशाल है हनुमान जी लंका गए सीता माँ का पता लगा के आए राम जी ने रावण इत्यादि दुष्टों को मारा बाली को पहले ही मार चुके हैं और सीता की परीक्षा अग्नि में सीता जी असली प्रवेश कर चुकी थी उनकी वापसी हुई और बड़े प्रेम से अयोध्या गए और राम जी राजा बने सिया जी रानी बनी राम कथा भागवत में जरा छोटी सी है दास ने भी आपको छोटी सी निवेदित की राम जी राजा बने हैं और सिया जी रानी बनी है बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की अब हम आपको कृष्ण कथा सुनाते हैं भगवान नारायण के पुत्र ब्रह्मा ब्रह्मा से अत्रि अत्रि से चंद्रमा चंद्रमा से बुध बुध से पुरुरवा पुरुरवा से आयु आयु से नहोस नहोस से अयाति इन्हीं के वंश में वसुदेव जी हुए
वसुदेव जी का विवाह हुआ देवकी माँ से, पहली पत्नी माता रोहिणी है। जब कंस विदा करके जा रहा अपनी बहन देवकी को, तब आकाशवाणी हुई, जिसका गर्भ, जिसको तू विदा कर रहा उसका आठवां गर्भ तेरा काल बनेगा। कंस ने मारना चाहा, वसुदेव जी ने रोका है, जेल में बंद कर दिया। पहला बच्चा माता देवकी का कंस ने मार दिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवें गर्भ में लक्ष्मण जी आए। बलराम बन के भगवान ने रोहिणी के गर्भ को निकालकर, देवकी के गर्भ से निकालकर रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर किया, जो डॉक्टर लोग आज करते हैं कि स्त्री के गर्भ को ट्रांसफर कर देते हैं। ये जो टेक्नोलॉजी आज डॉक्टरों के पास आई है, मेडिकल साइंस ने हासिल की है, ये चीज़ 5,500 साल पहले भगवान ने किया था। ये सब टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ ऑलरेडी थी। आठवें गर्भ में भगवान श्री कृष्ण पहुंच रहे हैं। भादों का महीना था, कृष्ण पक्ष की ठीक अष्टमी तिथि, रात्रि के ठीक 12 बजे अविजित मुहूर्त, रोहिणी नक्षत्र, सब देवी देवता भगवान की स्तुति कर रहे हैं। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मिकम त्वम शरणम प्रपन्नाः, सब स्तुति कर रहे हैं। भगवान की जय जयकार करके सब देवता चले गए। तभी आज अष्टमी को रात्रि के ठीक 12 बजे भगवान का प्राकट्य हो गया। तमद्भुतम बालकमंबुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदार्युदायुधम श्रीवत्स लक्ष्मम गलशौभ कौस्तुभम। भगवान के गले में कौस्तुभ मणि शोभायमान है और भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। देवता दुंदुबियां बजाने लगे, वसुदेव देव की स्तुति करने लगे भगवान की। भगवान बोले जल्दी से गोकुल छोड़ के आइए, भगवान को लेकर चले। वसुदेव जी जेल के ताले, पहरेदार सब सो गए, ताले खुल गए। भगवान को लेकर जो चलता है वो कितने भी बड़े बंधन में हो, भगवान उसे बंधन से मुक्त कर देते हैं। ये भगवान की महिमा है। लेकर चले हैं, यशोदा ने कन्या को जन्म दिया, कृष्ण को शेषनाग भगवान ने छाता बनकर रक्षा की, यमुना में जल गिराकर भगवान ने चरण गिराकर यमुना जी को दर्शन दिया। आगे भगवान जी यशोदा के पास रख के कन्या को लेकर आए हैं और कन्या को कंस ने पत्थर पर पटकना चाहा, हाथ से छूट कर आकाश में गई। मूर्ख तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला प्रकट हो चुका है। और यहाँ वही कन्या आज नव दुर्गा के रूप में पूजी जाती है, विंध्यवासिनी माँ के रूप में वही यहाँ से छोटी हुई कन्या चली, विंध्याचल पर्वत पर आज भी वह प्रतिष्ठित है। बोलिए विंध्यवासिनी मैया की, अब सारे ब्रज में उत्सव कन्हैया के जन्म का, मैया बधाई हो, तैने बुढ़ापे में रबड़ी सी रात में लड़ुआ सुलाला जायो। मैया सब कोई बधाई देने लग गए, सब कोई बधाई लुटाने लग गए, बरसाने से भी बधाइयां आ रही है।
गोही रोहंदा बूढ़न को मारुती उतारते हैं बधाइयों के साथ। कल भगवान की बाल लीलाओं का पावन चरित्र सुनेंगे। हरि ओम चंद्रमा मन सूर्यजात चक्षुः सूर्यो अजायत स्रोत्राद वायुश्च प्राणश्च। बोलिए नंद के लाला की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। ओ मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है ओ जिंदगी दया के भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। हो मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। फैमिली ट्री। यस पापा। कैसा लगा? अरे वाह, ये तो बढ़िया है। अरे ये रोहन अपने परदादा और परदादी के नाम कैसे जानता है?
मैंने तो कभी बात नहीं की। पापा ये है ना कुलवृक्ष वेबसाइट। अच्छा, इसमें हमारी फैमिली की सारी इन्फॉर्मेशन है। इसकी हेल्प से तो मैं अपना फैमिली ट्री इजीली बना पाया। अरे वाह, इसमें तो फैमिली मेंबर्स की बायोग्राफी भी लिख सकते हैं। हमारा इतिहास ही हमारी सच्ची विरासत है और इस विरासत को संभालता है कुलवृक्ष। शामिल होइए पंडित राजेश कृष्ण शास्त्री जी महाराज वृंदावन धाम के सानिध्य में आयोजित श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ एवं श्रीमद् भागवत कथा में 11 से 17 दिसंबर दोपहर 3 बजे से साये 6 बजे तक। स्थान बड़ा शिव मंदिर राम सरोवर अलीपुर दिल्ली। आयोजक श्री लक्ष्मी नारायण भगवान। यजमान बनने के लिए संपर्क करें 9971064669। 11 कुंडीय यज्ञ 1100 किलो सामग्री के द्वारा किया जा रहा है। एक बार दर्शन के लिए अवश्य पधारें। इस कथा का सीधा प्रसारण देखिए हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड एवं देवम टीवी पर। अनंत शिव महाबली।